Hi everyone, if I'm audible and visible, let us start with the session, Bachu. Hi Sajid. Am I audible, visible? Yes, I am. Hi Bachu. Happy birthday. God bless you. Good afternoon, Gunjan. Hi Paras. हाय जसवीर हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई सारे साजिद को हैप्पी बर्थडे हाय सोनू अरन सुमन प्रेम जोन साहिति हाय अनुष्का हाय अनुष्का हाय द बी टीम हाय खनक हाय आरपी प्रांजल हेरिडिटी समझ नहीं आई करा दूंगी फिर से हाय प्रिंस अनुष्का प्रेम हाय चलो बेटा हाय लकी हाय ममता नहीं बेटा कोई सर्वर डाउन नहीं है आई एम नॉट श्योर अगर कुछ ऐसा है अच्छा मे बी यस 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 ऐसा है कुछ एक मिनट रुको बताती हूँ अनकेडमी की साइट और ऐप डाउन है बेटा येस साइट और ऐप डाउन है मुझे ये नहीं पता कब तक रहेगा बट यस अगर आप कुछ इशू uh, कर रहे हो तो यस yes. कुछ इशू फेस कर रहे हो आप है ना ग्रुप पे आया हुआ है मैसेज चलो समृद्धि मुन्ना सिद्धि मुस्कान हाय बेटा चलो स्टार्ट करते हैं नेम इज़ उपासना मूँग गया आई एम गोइंग टू बी आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर आई एम गोइंग टू टीच यू बायोलॉजी हाई समृद्धि हाय क्रेश हाय मैत्री चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गैनिज्म रिप्रोड्यूस दिस इज द चैप्टर नेम टुडे आज हमें ये चैप्टर की क्विक रिवीजन करनी है मतलब आज एक और मौका है आपके पास आप कुछ डाउट्स पूछ सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल चैप्टर बचो लेटेस्ट स्टार्ट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वन इज क्ल रिप्रोडक्शन बच्चों एंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल वन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्शुअल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्या ये बेसिक बात सबको पता है गुड आफ्टरनून बच्चों रिप्रोडक्शन का मतलब पहले देख ले रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब होता है आर आर आई एम गुड हाउ यू सो रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब होता है अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाना दैट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए विच बैच विल बी बेस्ट फॉर मी बेटा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स अभी तो आप नाइन्थ का ही पढ़ो जसवीर क्लास टेंथ का अभी मत पढ़ो क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो आपको अपनी क्लास का ही फोकस करना है हाय श्रेया, यस, ये क्या है ये रीजनरेशन है बिल्कुल सही पहचाना आपने रीजनरेशन है रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब होता है अपनी जैसी और स्पीशीज को मेंटेन करना दैट इज रिप्रोडक्शन नाउ वट इज डीएनए कॉपिंग सबसे पहले हम समझेंगे कि बेटा DNA copying क्या होता हाँ सेल nucleus होता है। है एक 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 सेल सेल के के अंदर अंदर हाय बच्चे, देखो, हमेशा पड़ा हुआ और ये के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल बच्चों डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल जो इनहेरिट होगा वो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट के अंदर जाएगा बायो में कैसे लाए प्लीज रिप्लाई बहुत दिक्कत हो रही है पहले बेटा क्विक सेशन रिवाइज कर लो लीमा क्विक सेशन रिवाइज कर लो जो भी सारी, आ, रिवीजन वाले हुए, देखो, फिर, तो क्लियर हो जाएंगे समझ आने तो होता है पहले ना मतलब समझो डीएनए एक्चुअली होता क्या है हाय एवरीवन आई एम गुड अब हम पढ़ेंगे अच्छे से आप जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा क्रोमोजोम आपको सबसे पहले दिखेगा क्रोमोजोम क्रोमोसोम आर दी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बेटा जो हम बना देते ये बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से ठीक है ये क्रोमोसोम हर बार तो आपको ऐसा नहीं दिखता न्यूक्लियस के अंदर जो आपको क्रोमोसोम का समान दिखेगा वो हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में दिखेगा हाईली क्वाइल्ड फॉर्म में दिखेगा जब ये सेल डिवाइड करने चलता है तब इसके अंदर इतने सुंदर-सुंदर क्रोमोसोम्स दिखते हैं नाउ व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम हमें देखना है कि इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा आपको दिख जाएंगे डीएनए इस क्रोमोसोम के अंदर आपको दिख जाएगा डीएनए डीएनए प्रेजेंट है अलोंग विद द प्रोटीन्स। डीएनए प्रेजेंट है अलोंग विद द प्रोटींस डीएनए अलोंग विद द हिस्टोन प्रोटींस बेटा डीएनए अलोंग विद द हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होगा एंड कुछ एरिया ऐसा भी होगा जहां पे हिस्टोन के अलावा दूसरे प्रोटींस प्रेजेंट होंगे तो दिस एरिया इनसाइड क्रोमोसोम हैज डीएनए एंड इट हैज प्रोटींस हैज डीएनए एंड इट हैज प्रोटींस अब आपने इस धागे जैसे स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए को कर दिया ओपन आपने इस डीएनए को अब कर दिया ओपन तो आपको ये धागा कुछ ऐसा दिखेगा बेटा डबल डबल दिस धागा विल बी मतलब दो धागे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेटे हुए हैं सो so, आप इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डीएनए बोल सकते हो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डीएनए बोल सकते हो बेटा नाउ यू विल फाइंड इसके ऊपर सेगमेंट्स स्पेशल एरियाज जहां पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं ये जीन हमारे सारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर आर ऑल फिजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हमारा आई का कलर है हेयर का कलर है स्किन का कलर है फॉर एवरीथिंग दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल ठीक है फॉर एवरीथिंग दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल तीनों टर्म का मतलब पता चल गया आपको वट इज क्रोमोजोम जींस हम बोल सकते हैं जीन डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा और जीन बेटा फंक्शनल यूनिट होती है फंक्शनल यूनिट का मतलब है यही पर बेटा काम हो रहा होगा बाकी सारे एरिया पे तो नहीं प्रेजेंट है जीन जिस एरिया पे प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए

अंदर हाई आंचल न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है डीएनए इज लाइक अ थ्रेड स्ट्रक्चर आप डीएनए के ऊपर देखोगे क्या पड़ा हुआ है तो डीएनए के ऊपर जीन्स पड़े हुए हैं वो जीन क्या काम करते हैं सारे हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं जैसे यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट होगा जो हमारे आई कलर को बना रहा होगा यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट होगा जो हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सो फॉर एवरी जीन इज प्रेजेंट मैम क्या एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ जीन्स में होगा या एक जीन होगा मतलब बेटा देखो ये सारे यहाँ पर लिस्ट ऑफ जीन्स बना सकते हैं हम यहाँ पर एक जीन यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर चौथा ऐसे हम जीन बना सकते हैं और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं हेलो खुशी फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है मैम नो आइडिया ठीक है देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अभी हमें उसकी बात नहीं करनी है समृद्धि की यह किस टाइम पर ओपन होता है डीएनए जब रेप्लीकेट करता है तभी जो थ्रेड आपस में एक साथ पड़ा हुआ है ये ओपन हो जाता है आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता बेटा तो दे डू नॉट है डीएनए आरबीसी डो नॉट हैव न्यूक्लियस आर के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है क्योंकि उनको हीमोग्लोबिन भरने के लिए अपने अंदर काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है दैट इज वाई दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस नाउ लेट अस डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और वो अपने बच्चे बना रहे अपने ही डीएनए से तो मान लो यहाँ पर अगर मैं एक बैक्टीरिया की बात करूँ एक मैं बैक्टीरिया की बात करूँ इसके सेंटर में यहाँ डीएनए पड़ा हुआ है तो यार इसको ना अपने दो बच्चे बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल तो ये अपने पहले डीएनए को डबल करेगा तभी ये अपने बच्चों के अंदर इस डीएनए को पास ऑन कर पाएगा एवरीबॉडी गॉट इट है ना ये सत्यो होल वीडियो होल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन द सेम सेशन ये जो डबल थ्रेडेड डीएनए है अब अगर अपने दोनों बच्चों को इसको देना है तो पहले इसको डबल करना पड़ेगा तभी ही अपने दोनों बच्चों को दे पाएगा तो यहाँ पर डीएनए को बेटा सबसे पहले डबल करता है और फिर लास्ट में एक डीएनए इसको दे दिया, और दूसरा दे दिया लास्ट वाले को ठीक है Whereas एज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट आपको दिख रहा है ना इसल में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बेटा टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वन इज मेल पेरेंट एंड अदर वन इज फीमेल पेरेंट वन इज मेल पेरेंट एंड अदर वन इज फीमेल पेरेंट ठीक है सो इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल गैमीट्स बन रहे होते हैं व्हाट आर गैमीट्स गैमीट्स को हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं यानी कि वो स्पेशल सेल जो कि रिप्रोडक्शन के लिए बन रहे हैं तो मेल ने अपने अंदर से गैमिट बना दिया और फीमेल ने अपना एक गैमिट बना दिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वन पेरेंट है गैमिट फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होता है गैमिट फॉर्मेशन यहां बिल्कुल भी नहीं होगा नेक्स्ट नेक्स्ट देखो फिशिन फिशन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपने डिटेल लेक्चर देखा हुआ है फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व बेटा फिजन के अंदर जो पेरेंट है ना वो खुद को ब्रेक कर लेता है डिवाइड कर लेता है ठीक है अगर पेरेंट खुद के दो देखो अगर पेरेंट खुद की दो कॉपीज बना रहा है तो उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे अगर पेरेंट खुद की बहुत सारी कॉपीज बना रहे तो उसको मल्टीपल फिजन बोलेंगे जैसे इससे पहले वाले डायग्राम में मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया ने यहाँ पर अपने दो बच्चे बना लिए तो बेटा इसने दो सेल्स बनाए हैं तो ये बाइनरी फिजन कहलाएगा वहीं पर अगर इसने दो से ज्यादा सेल्स बनाए होते तब हम इसको मल्टीपल फिजन का नाम दे देते फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना मान लो ये जो पेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर ये पेरेंट है इसने अगर अपने आप को तोड़ लिया तो ये फिजन कर रहा है ठीक है लेट्स सी बाइनरी फिजन क्या एग्जाम्पल है अमीबा पैरामीशियम और लीशमैनिया अमीबा पैरामीशियम और लीशमैनिया मैं साथ साथ क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर आपको बताती रहूंगी बाई का मतलब होता है टू जब पेरेंट्स दो पे, बच्चों के अंदर टूट जाए दो डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाए उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं अमीबा पैरामीशियम और लीशमानिया काम करते हैं अमीबा का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पैरामीशियम से क्या क्वेश्चन आ सकता है पैरामीशियम ना स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है इसकी शेप जो होती है वो हमारे स्लिपर जैसी होती है आएंगे गुंजन वेरिएशन की भी बात करूंगी बेटा ये स्लिपर जैसा ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज पैरामीशियम इसको मूव कराने के लिए इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन लगे हुए होते हैं जिसको सिलिया बोलते हैं इसकी बॉडी के ऊपर हेयर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको सिलिया बोलते हैं ये सिलिया यार पैरामीशियम को मूव कराने में भी हेल्प कराएगा और इसी सिलिया के अंदर ना खाना भी फंस जाता है और खाना फंस फंस के इसके माउथ के अंदर आ जाता है मतलब सिलिया के अंदर अगर कोई फूड पार्टिकल ट्रैप हो गया तो वो चला जाता है पैरामीशियम के माउथ के अंदर चला जाता है पैरामीशियम के माउथ के अंदर पैरामीशियम खाने को खा लेते हैं वैसे देन लास्ट वन इज लेता से ये क्वेश्चन आ सकता है हाई अनुज लीशमैनिया एक बीमारी कर सकता है जिसका नाम है काला अजहर लीशमैनिया एक प्रोटोजोआ है और ये बीमारी कर सकता है काला अजहर नाम की ये एक तरीके की स्किन डिसीज है बेटा ठीक है so सो इससे यही क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है कि जो एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि काला अजहर नाम की बीमारी करता है उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा रहेगा सो so, आप समझ जाएंगे काला अजहर नाम की बीमारी करने वाला काला अजहर नाम की बीमारी करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज और वो लीशमानिया जो है बाइनरी करके रिप्रोडक्शन कर देता है नाउ दिस इज हाउ द रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस हाई विपिन मल्टीपल फिजन की अगर हम बात करें तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स बना देता है बेटा उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं एंड प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल फिजन बेटा युगलिना सुना है यूगलीना युगलीना लॉन्गिट्यूडनल फिजन कर सकता है युगलीना ई यू जी एल ई एन ई युगलीना युगलीना लॉन्गिट्यूडनल फिजन कर सकता है ई यू जी एल ई एन ई ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकता है स्पोर फॉर्मेशन कर सकता है यहाँ पर कुछ बच्चे सॉरी बाइनरी फिजन कर सकता है स्पोर फॉर्मेशन अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे स्पोर फॉर्मेशन में आपको बेटा अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ यूगलीनाज जो कि लॉन्गिट्यूडनल रिप्रोडक्शन कर सकता है लॉन्गिट्यूडनल दो में टूट जाएगा जैसे ये अगर मैं आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाऊं लेट्स कम टू अनदर पेज लेट्स ड्रॉ आर यूग्लीना यहाँ पर ये एक यूग्लीना है इसके पास मूवमेंट करने के लिए ऊपर एक फ्लैजिला भी होता है ये अपने आप को सेंटर से ब्रेक करता है जस्ट लाइक दिस एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग ऐसे दो कॉपीज बनाना शुरू कर देगा बेटा एंड देन इट विल सेपरेट एंड फॉर्म टू डॉटर यूग्लीना सेल्स समझ आया एंड नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि अगर डिवीजन करनी है तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है या फिर साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड करता है स्क्रीन पर हिंट के लिए पिक्चर भी दी हुई है पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा या फिर पहले डिवाइड करेगा बताइए बच्चों बताओ बच्चों पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा या फिर पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा अमीबा कर रहा है ना बेटा ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम भी ट्रांसवर्स फिजन कर रहा है पैरामीशियम भी ट्रांसवर्स फिजन करता है बेटा पैरामीशियम जो आपने अभी देखा वो स्लिपर जैसा ऑर्गेनिज्म वो भी ट्रांसवर्स फिजन करता है ट्रांसवर्स का मतलब एक तो लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा ट्रांसवर्स मतलब ऐसे कट रहा है हाँ जी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है पहले डिवाइड करना शुरू कर देता है जस्ट लाइक इन दिस डायग्राम देखो ये ब्राउन कलर का न्यूक्लियस पहले खुद को एक्सटेंड करने लग गया उसके बाद बेटा साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना शुरू करा अमीबा इेगुलर तो करता है बट आप ट्रांसवर्स की पैरामीशियम है ना बेटा पैरामीशियम करता है ट्रांसवर्स फिशन पैरामीशियम इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स फिशन लेट्स कम टू अनदर वन मल्टीपल मल्टीपल फिजन फिजन देख रहे हो करता है प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम हमारे अंदर मलेरिया नाम की बीमारी करता है अब ये प्लाज्मोडियम ना अपने बच्चों को काफी ज्यादा ध्यान अपने बच्चों का काफी ज्यादा ध्यान रखता है जब तक ऑप्टिमम कंडीशन नहीं आती तब तक अपने सेल्स को या बच्चों को बचा कर रखता है और उनके बाहर एक प्रोटेक्शन की लेयर बना देता है वो प्रोटेक्शन की लेयर को हम बोलते हैं सिस्ट क्या बोलते हैं दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज सिस्ट जब तक हेल्दी कंडीशंस नहीं आती या राइट right कंडीशंस नहीं आती उस प्लाज्मोडियम के बच्चों के लिए तब तक वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है सिस्ट बनाकर रखता है विच इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो कि उसके बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखेगी जैसे ही राइट कंडीशन आ जाएंगी सिस्ट ब्रेक कर जाएगा और उसके सारे बच्चे बाहर आ जाएंगे तो ये मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल हो गया बच्चों इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी क्या होता है पीसेस में ब्रेक होना अब यार बड़ी सिंपल सी बात है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन फिशन में भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म टूट रहा था फ्रेगमेंटेशन भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो रहा था तो आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है सेम ही तो चीज हो रही है क्या कोई बच्चा मुझे डिफरेंस बता सकता है फिजन के बीच में और फ्रेगमेंटेशन के बीच में कैन एनी ऑफ यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन बच्चों ये स्पायरोरा वेरी गुड अनुज स्पायरो एग्जाम्पल है बेटा फ्रेगमेंटेशन का स्पायरोगा ग्रीन कलर की एल्गी होती है कभी आपने गंदा पानी देखा होगा तो उसमें काई जैसी चीज़ आपको दिख जाती है Spirogyra एक तरीके की एलगी ही होती है एंड इट इज वेरी मच फिलामेंटस फिलामेंटस का मतलब होता है धागे जैसी होती है अगर मैं एक आपको दिखाना चाहूं तो इट हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड यार वो पेरेंट अपने अंदर पीसेस कर लेता है एंड जो भी जितने पीसेस बनते हैं वो नए स्पाइरो के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा द मेन डिफरेंस बिटवीन हाय महादेव द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज कि फिजन बच्चों यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है फिजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है फिजन इन विच पेरेंट्स सेल्स स्प्लिट इनटू डॉटर सेल्स इवन इन फ्रेगमेंटेशन सही थी सेम थिंग इज हैपनिंग यस गुंजन फ्रेगमेंटेशन मल्टी में हो रहा है एंड फिजन यूनिसेल्युलर में हो रहा है दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड नाउ आपने देख लिया देखो तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इट इज फॉर फ्रेगमेंटेशन में एनसीआर एग्जाम्पल दिया हुआ है बट इसके अलावा कुछ लोअर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स कुछ लोअर लेवल वाले प्लांट्स जिसको हम लिवर वर्ड्स और मोसस बोलते हैं ये भी फ्रेगमेंटेशन करते हैं बच्चों लिवर वर्ड्स एंड भी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं कभी पहाड़ों पर अगर हम गए हैं तो हमने देखा है कि छोड़े छोड़े घास जैसी और पेड़ के ऊपर भी ऐसा लगा हुआ है कि घास लगी हुई है Uh, बड़े बड़े पत्थर के ऊपर भी हमें ऐसा लगता है कि घास उग रही है वहां पर एक्चुअली वो ग्रास नहीं होती दोज आर लिवर वर्ड्स एंड छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं एंड दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन ठीक है पर देखो फ्रेगमेंटेशन इज ये माइक्रोस्कोप से ली गई स्पाइरो की पिक्चर है ये लंबे लंबे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होंगे अपने बीच में से कट लगाएंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज रीजनरेशन ये जो ऐसे स्विम करके जा रहा है आपकी स्क्रीन से प्लानरिया इसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी प्लानरिया इज द फ्लैट वर्म ये एक तरीके का फ्लैट वर्म है ये खास बात क्या है इसके अंदर, अंदर एक्सीडेंटली ऐसे कट लग जाते हैं तो जो भी कट वाला पीस होगा वो नया का नया बॉडी पार्ट वापिस ग्रो कर देता है मान लो हेड कट गया तो हेड की नई टेल वापिस आ जाएगी और जहां हेड कटा है वहां पर नया हेड ग्रो करना शुरू कर देगा बेटा रीजनरेशन के लिए रीजनरेशन के लिए स्पेशल सेल्स uh, की जरूरत पड़ती है विच आर नोन एज रीजनरेटिव सेल्स विच आर नोन एज रीजनरेटिव सेल्स रीजनरेटिव सेल्स आर द वन जिसके अंदर जिसकी वजह से ये रीजनरेशन प्रोसेस हो रहा है अब फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन में क्या फर्क है बच्चों रीजनरेशन इज नॉट मेन ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर लिजर्ड की टेल कट हो जाएगी तो वो फिर से आ जाएगी अगर फ्रॉग्स और लिम्स के हैंड्स कट हो जाते हैं तो वो फिर से आ जाते हैं हमारा हैंड कट हो गया क्या फिर से रीग्रो कर पाएगा नो राइट तो रीजनरेशन इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्पेशल सेल्स नोन एज रीजनरेटिव सेल्स वेयर एज फ्रेगमेंटेशन इज़ द मेथड जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म खुद के फ्रेगमेंट्स कर लेता है और नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा लेता है इसके अंदर स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड रीजनरेटिव सेल इज़ टेकिंग प्लेस इन सम हायर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो रीजेनरेटिव सेल कुछ हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो रहा है जैसे लिजर्ट्स जैसे कि फ्रॉग्स टॉड्स इनके हैंड्स इनके लेग्स ठीक है आर एस पोर फॉर्मेशन पे समृद्धि सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंसेस बिटवीन किस तरीके से इसका लॉस्ट हैंड वापस आ गया और स्पायरो दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड पे किस तरीके से स्पायरो अरेन्ज्ड होता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बडिंग बडिंग के अंदर भी रिजेनरेटिव सेल्स होते हैं जो पेरेंट के ऊपर एक छोटी सी बड बना देते हैं बड इज बेसिकली एंड आउट ग्रोथ आउट मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ यू नो वट इज ग्रोथ तो पेरेंट सेल के बाहर एक छोटी सी ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाती है जिसको बट बोलते हैं एक्चुअली वो पेरेंट का ही एक छोटा सा रूप होता है फॉर एग्जाम्पल यस्ट बैक्टीरिया फ्लैटवर्म्स जेलीफिश सी एनिमल ये सारे के सारे बडिंग प्रोसेस दिखाते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल आपको बहुत आसानी से यहाँ पर दिख रहा है बडिंग किस तरीके से काम करता है बेटा नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इससे पहले वाले जो आपने ए सेक्शुअल वाले मेथड पढ़े है ना उसके अंदर पेरेंट सेल अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता पेरेंट सेल अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है पेरेंट सेल बडिंग के अंदर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता है बट अगर मैं अमीबा की बात करूं यार वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा क्योंकि पेरेंट सेल तो गायब है पेरेंट सेल ने खुद को ब्रेक करके दो बच्चे बनाए हैं स्पायर ने खुद को ब्रेक करके दो बच्चे बनाए हैं यानी कि पेरेंट वाला एलगी अमीबा गायब ये एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली दैट इन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन पेरेंट अपनी आइडेंटिटी को खो देता है बेटा फिजन के अंदर फ्रेगमेंटेशन के अंदर पेरेंट अपनी आइडेंटिटी खो देगा बट बडिंग के अंदर बडिंग के अंदर क्या होगा ये एक हाइड्रा है इसके यहाँ पर छोटी सी बड ग्रो करें जैसे वो बर्ड मेच्योर हो जाएगी वो पेरेंट से टूट जाएगी नीचे गिर जाएगी और नया वहां पर हाइड्रा ग्रो करना शुरू कर देगा क्या पेरेंट हाइड्रा गायब हो गया वहां से नहीं बेटा पेरेंट हाइड्रा अभी भी जिंदा है पेरेंट हाइड्रा अभी भी जिंदा है ठीक है सो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर प्लेटफॉर्म जेलीफिश ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं लेट्स कम टू अनदर वन आगे बढ़ते हैं देखो आगे हमें देखना है ये सी एनिमोन की पिक्चर है बेटा दिस इज सी एनिमोन ये आपको पानी में देखने को मिलेगा देखो ये जो आपको दिख रही है ना आउट ग्रोथ ये इसकी बर्ड है जैसे ये मेच्योर हो जाएंगी पेरेंट से अलग हो जाएंगी और अलग से स्विम करना शुरू कर देंगी देन दिस इज ईस्ट ईस्ट अपने अंदर चैन बना लेता है एक आउट ग्रोथ करके ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है बेटा इसने ना अपने ऊपर एक छोटी सी ईस्ट की बर्ड बना ली बट ये इतनी जल्दी सेल डिवीजन कर रहा है कि एक और नई बट बन जाती है फिर उसके ऊपर एक और नई बट बन जाती है एक और नई बट बनती जाती है तो यहां पर बन जाती है बडिंग की चेन एक चेन बन जाएगी पूरी की पूरी और 90 मिनट्स के अंदर ही बडिंग दिखना शुरू हो जाती है हमें हीस्ट के अंदर बहुत ही जल्दी डिवाइड करता है ईस्ट

यार पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ये स्पोर बनाएगा एंड जहां जहां वो स्पोर्स गिरेंगे वहां पर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाएगा मोस्टली फंगस दिखाते हैं स्पोर फॉर्मेशन यस शुगर उसे न्यूट्रिएंट देती है यू आर राइट सही थी ठीक है सो स्पोर्ट्स एंड न्यू म्यूकर इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है अनुज तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ये आपको एक प्लांट जैसे स्ट्रक्चर का जरूर दिखता है बेटा बट यहाँ पर ये प्लांट जैसा नहीं है माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है माइक्रोस्कोप से हमें देखो कैसे दिखेगी फंगस लंबे लंबे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको हम हाई बोलते हैं दीज लॉन्ग थ्रेड लाइक आर नोन एज हाइफी हाइफी के ऊपर आपको जो ऐसे बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज नोन एज स्पोरजियम हाई सत्याजीत इसी को बोलते हैं स्पोरजियम अगर एक की बात कर रहे हो तो स्पोरांजियम बहुत सारों की बात कर रहे हो तो स्पोरांजिया राइजॉइड बेटा रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है रूट जैसा स्ट्रक्चर को बोलते हैं है कोई प्लांट का बनाया है, भरा हुआ है जैसे इसका स्पोरांजियम फट जाएगा बर्स्ट हो जाएगा एंड इसके अंदर पड़े हुए स्पोर्स जगह जगह फैल जाएंगे जहां पर इसके स्पोर्स गिरेंगे वहां पर नई फंगस की ग्रोथ हो जाएगी तो बेटा इसीलिए ये स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है इसकी वजह से बहुत जगह पर स्पोर्स फैल जाते हैं एंड एक ब्रेड से पूरा का पूरा ब्रेड का पैकेट खराब हो जाता है ठीक है यस yes, मतलब होता है कि एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है बट वो सीड से ग्रो नहीं करेगा ये प्लांट्स के अंदर दिखता है सबसे पहले तो प्लांट्स के अंदर दिखेगा

Plants के 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 अंदर अंदर होता है है ये हो रही है, seeds के अलावा रूट से, से और स्टेम से नया प्लांट ग्रो कर सकता है मतलब आप सीड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो रूट स्टेम और लीफ से प्लांट्स के नए प्लांट पार्ट ग्रो कर रहे हैं ठीक है देर आर टू टाइप्स एंड आर्टिफिशियल, वेजिटेटिव नेचर में ना अपने आप होती जा रही है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नाम में ही आ गया यार आर्टिफिशियल ये होगी ह्यूमन बीइंग्स की इंटरफेरेंस से ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस से ऑलरेडी लाइफ प्रोसेस हो चुका है बच्चे लाइफ प्रोसेस और भी बाकी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं इनफैक्ट अब आपकी रिविजन चल रही है नेचुरल वेजिटेटिव में क्या हो रहा है इट इज ग्रोन विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प लीफ से रूट से और स्टेम से नया पार्ट ग्रो कर सकता है सबसे पहले हम बात करते हैं पोटैटो की आपने देखा होगा पोटैटो जब आपके घरों में पुराना हो जाता है तब उसके ऊपर एक बड़ जैसा स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू कर देता है एक आउटग्रोथ ग्रो होनी शुरू हो जाती है दिस इज नोन एज बर्ड जिसको आई भी बोलते हैं आपको पता है जो आप पोटैटो खा रहे हो दैट इज एक्चुअली द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट जो हम खाते हैं स्टेम होती है पोटैटो दिखने में बिल्कुल नहीं लगती है बट इट इज एक्चुअली पर सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, हम उस पार्ट को खाते हैं इट इज सोलर इट इज फ्लैशी एंड इसके ऊपर जो बर्ड्स ग्रो कर रही हैं, उसको आई बोलते हैं यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट पार्ट इज राइजोम जैसे आपने देखा पोटैटो के ऊपर स्पेशल बर्ड्स प्रेजेंट है बेटा जिसको हम आई का नाम दे रहे हैं सेम तरीके से जिंजर गार्लिक और ट्यूलिप के अंदर राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं राइजोम्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि जिंजर गार्लिक और ट्यूलिप के ऊपर प्रेजेंट होंगे इनके ऊपर बर्ड होती है आप उस एरिया को कट करो फिर से सॉइल के अंदर डाल दो और पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो कर जाएगा रूट की भी बात करेंगे हम जैसे हमने पोटैटो को खाया दैट वॉज द स्टेम ऐसे आप सबने स्वीट पोटैटो खाया होगा स्वीट पोटैटो इज एक्चुअली रूट जो हम खा रहे हैं स्वीट पोटैटो इज एक्चुअली रूट जो हम खा रहे हैं ये रूट एडिबल होती है इसके अंदर स्टार्च होता है यहाँ पर दिव्या का एक डाउट है दैट डीएनए और क्रोमोसोम क्या है एंड क्रोमोसोम डीएनए में क्या डिफरेंस है जैसे मैंने स्टार्टिंग के सेशन में बताया बेटा दिव्या आप देखो जाकर स्टार्टिंग के सेशन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्रोमोसोम और डीएनए में क्या डिफरेंस है आगे बढ़ रहे हैं अब हम बाय लीव्स अभी तक हमने बात करी थी बाय स्टेम और बाय रूट भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है अब आपको देखनी है लीफ की हेल्प से भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है यस बिल्कुल सही बोला आपने शकर कंद बोलते हैं इसको शकर कंद स्वीट पोटैटो लीफ से भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है जिसको हम बोलेंगे ब्रायोफाइलम अगर आपने लीफ का नाम सुना हो कैल्सो अगर आपने लीफ का नाम सुना हो इनकी लीफ के बाहर ही बेटा छोटी छोटी बड होती है वो बड़ मेच्योर होगी और उस मेन लीफ से गिर जाएगी जहां भी वो गिरेगी वहां पे नया ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो करा देगी सो दिस इज़ द एडवांटेज कि सीड के बिना ही नए नए प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और ये फॉरेस्ट में और नेचर में अपने आप होता रहता है अपने आप होता रहता है Now, का मतलब क्या है बच्चों जो कि ह्यूमन बींग्स ने अडॉप्ट की है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा होता है का काम किया जाता तो बेटा डेकोरेशन में कितने सारे रियल फ्लॉर्स लगते हैं तो हमें बहुत सारे फ्लार्स चाहिए होंगे जल्दी चाहिए होंगे हम वेट नहीं कर सकते सीड का कि यार सीजन होगा तभी हम उसको ग्रो कराएंगे तो ऐसे बिजनेसिस में या फार्मर्स वगैरह काफी बार आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं और

आप उस कट वाले पार्ट को सॉइल के अंदर डाल दो वो नया का नया पूरा प्लांट ग्रो कर देगा ठीक है बेटा कटिंग स्टेम कटिंग स्टेम के देख रहे हो ये पिक्चर में कौन सा प्लांट है जो वो कट कर रहा है एलोवेरा रोज शुगर केन बनाना इन सब के अंदर हम स्टेम को कट करके नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं मान लो मेरे फ्रेंड के घर पे रोज है और मैं चाहती हूँ मेरे भी घर पे रोज हो तो मैं उसके घर पे जाकर ना उसके पूरे स्टेम से क्या करूंगी एक छोटी सी स्टेम को कट करके ले आऊंगी और अपने पॉट के अंदर लगा दूंगी उस स्टेम को आप केयर करो उसकी उसमें पानी डालो न्यूट्रिशन अच्छा दो आपके घर में भी रोज आसानी से ग्रो कर जाएगा तो क्या आप रोज के सीड्स लेकर आए मार्केट से नहीं ना आपने अपने फ्रेंड से स्टेम को बोरो कर लिया एंड आपने अपने, अपने घरों में भी अपना रोज लगा लिया ठीक है देन रूट कटिंग इज ऑल्सो पॉसिबल रूट कटिंग के एग्जाम्पल से बेटा रास्बेरी ब्लैकबेरी डालिया फेग लाइलैक इसमें रूट को कट करके आप अपने पॉट के अंदर प्लांटेशन कर सकते हो देन इसके अलावा है लेयरिंग देखो

एलोवेरा यस यस एलोवेरा को अगर आप कट करोगे उसकी स्टेम को बेटा अपने पॉट के अंदर लगा दोगे रामस्वार तो नया ग्रो कर जाएगा है ना साहिती एवरीबॉडी एग्रीज क्रोमोजोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए दिस इज गोइंग समथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इन डिटेल क्रोमोजोम क्या होता है क्रोमाटेन क्या होता है बेटा वो आप हेरिडिटी चैप्टर में देखना मैंने बताया हुआ है स्टेम बेंट एंड द टेटा साई थी दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेयरिंग जासमीन इज द एनसीईआरटी एग्जांपल ऑफ लेयरिंग बेटा जासमीन पर क्वेश्चन आया हुआ है जासमीन लेयरिंग परफॉर्म करता है ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये जासमीन का है इसकी बहुत सारी स्टेम्स निकली हुई होती है तो आपको बेटा पता है क्या करना है जैस्मिन की एक स्टेम को लेना है और उसको पकड़ के मिट्टी में दबा दो होल्ड कर दो उसको किसी तरीके से कि वो बाहर ना निकले बहुत सारी स्टेम्स होंगी ना आपको सारी स्टेम के साथ ऐसा करना है यू टेक द स्टेम एंड Put it the soil और उसको अच्छे से कवर कर दो आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी कि जो आपने स्टेम का पार्ट सॉइल के अंदर डाला था या वहां से अलग से रूट्स निकल के आ रही है वहां से एक और स्टेम ग्रो कर रही है और छोटी छोटी लीफ दिखना शुरू हो गई है इसका मतलब कि आपने पेरेंट प्लांट की स्टेम से नए नए पार्ट को ग्रो कर दिया इसको सिंपल लेअरिंग बोलते है जो मैंने अभी समझाया एक होता है माउंट लेअरिंग माउंट लेयरिंग का मतलब है कि जो पेरेंट प्लांट की मेन हाइट है सोइल यहां से शुरू हो रही है फॉर एग्जांपल तो आप सोइल को ऊपर की तरफ ले आओ सोइल को ऊपर की तरफ करो एक पहाड़ सा बना दो जिससे मैक्सिमम पेरेंट वाली स्टेम सोइल से कवर हो जाए आप क्या देखोगे कि जहां-जहां आपने सोइल को कवर कर दिया जहां-जहां से वहां से और रूट्स निकल के आ रही है बच्चों बाकी और रूट्स भी वहां से निकल कर आ रही है सो so, हमें सीड का वेट नहीं करना पड़ रहा है हम अलग अलग पार्ट से ही नए नए प्लांट्स को ग्रो करा रहे है देन समथिंग इज कॉल्ड एज एयर लेरिंग बच्चो एयर लेअरिंग में आपने सॉइल को उठाया और सोयल को उठाकर आपने ऊपर हाइट पर सॉइल से बांध दिया जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर है ना प्रियांशी ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एयर लेयरिंग का एयर लेयरिंग भी की जाती है यहाँ एयर लेयरिंग या लेयरिंग करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि ना आपको बाहर वाला जो डेड टिश्यू है उसको स्क्रैच करना होता है बाहर जो प्लांट की डेड लेयर है उसको जरूर रिमूव कर देंगे एंड देन यू हैव टू कवर द एरिया विद द सॉइल ताकि आसानी से वो न्यूट्रिशन ले सके नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू अनदर वन ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग इज अनदर मेथड जिसमें ये देखो बेटा ये जो पिक्चर दिख रही है आपको ये क्या किया जा रहा है लेयरिंग की जा रही है ये जो आपको जिफ दिख रही है बच्चों रोज के अंदर दिस इज लेयरिंग सबसे पहले स्टेम को थोड़ा सा छीला उसके बाद जो सॉइल थी उसको ऊपर ले आया को देखो बांध दिया उसकी तरफ तो जो लोग फार्मिंग करते हैं जो बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं दे आर यूजिंग दिस मेथड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राफ्टिंग देखो ग्राफ्टिंग के लिए भी एक यहाँ पर जिफ आपको मिल जाएगी मेरे पास एक प्लांट है एंड मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर सारी की सारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रो करना शुरू कर दे डिजायर्ड कैरेक्टरस्टिक्स का मतलब है मैं चाहती हूँ आप मान लो मेरे पास एक ऑरेंज का प्लांट है ऑरेंज का प्लांट है मैं चाहूंगी वो बहुत ज्यादा अच्छे ऑरेंजेस दे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे बड़े साइज के हो टेस्ट में काफी ज्यादा स्वीट हो उसमें बहुत अच्छा जूस निकले सो दीज आर गुड कैरेक्टरस्टिक्स जो मैं चाहती हूँ अपने प्लांट के अंदर मेरे पास इतने अच्छे कैरेक्टरस्टिक्स नहीं है बट मेरे फ्रेंड के पास जो ऑरेंज प्लांट्स है उसमें मान लो बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है सो वॉट कैन आई डू मैं इसको कट कर दूंगी मैं इसकी स्टेम को कट कर दूंगी और अपने पास जो हिस्सा रखूंगी उसको बोलते हैं बेटा रूट स्टॉक इसको क्या बोलेंगे रूट स्टॉक आपने ऊपर वाली मेन स्टेम को हटा दिया और आप अपने फ्रेंड से जो स्टेम लेकर आए थे उसको आपने यहाँ पर लाकर ऐसे अटैच कर देना है और किसी बैंड से उसको टाई कर देना है दोनों दोनों चीजों को 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 स्टेम स्टेम आपको कर देना है ऊपर ऊपर वाली को बोलते वाली बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कायोन जो आपने अपने फ्रेंड से लिए और आपने इसके ऊपर लाकर चिपका दिया नाउ यू विल सी आफ्टर फ्यू डेज ये दोनों के दोनों बेटा आपस में फ्यूज हो चुके हैं और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे फ्रेंड वाले जो ऑरेंज के प्लांट्स थे उसके अंदर थी ना वो मेरे प्लांट के अंदर भी आने लग जाएंगी इसीलिए लोग ग्राफ्टिंग करते हैं एंड जब ये और नए बच्चे बनाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट्स जैसी क्वालिटीज वाले इसके बच्चे होंगे दैट इज वाई ग्राफ्टिंग इज डन ग्राफ्टिंग इज डन ताकि हम डिजायर्ड कैरेक्टरस्टिक्स ला सके जो भी फार्मर कैरेक्टर चाहता है वो लगा सकता है ठीक है नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेसिटेटिव प्लांट ग्रो कर सकते हैं आप में ही देख लो पेरेंट प्लांट को जगह जगह आपने गाड़ दिया उसमें से कितने नए प्लांट्स जल्दी, जल्दी जल्दी ग्रो करना शुरू कर देंगे ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो की डिसीज फ्री है

एडवांटेजेस भी हैं कि आप लगातार अगर ग्राफ्टिंग वगैरह करते रहते हो तो प्लांट्स अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं टाइम के साथ-साथ सीड्स का नेचुरल डिस्पर्शन नहीं हो रहा और अगर आप रूट स्टेम और लीफ को यूज कर रहे हो नया प्लांट बनाने के लिए तो आप उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते प्रिजर्व का मतलब समझते हो ना लंबे टाइम तक उसको बचाकर रखना सो अगर आप अपने फ्रेंड से ही स्टेम लेकर आए हो रोज के लिए आप उसको ज्यादा टाइम तक बचा कर नहीं रख सकते हो इफ यू पुट डिफरेंट एपो फॉर कागजाम्पल एप्पल बेटा आप ना अलग अलग फ्रूट्स के नहीं रख सकते हो ऑरेंज के साथ ऑरेंज की ही स्टेम मर्ज करनी पड़ेगी एप्पल के साथ एप्पल की ही स्टेम मर्ज करनी पड़ेगी यानी कि दिव्या ग्राफ्टिंग सेम स्पीशीज के बीच में होती है ग्राफ्टिंग सेम स्पीशीज के बीच में हम करते हैं नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं टिश्यू कल्चर इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन इसमें क्या होता है कि आपने टिश्यू को ना एक लैब के अंदर ग्रो कराया आप प्लांट्स में से बहुत सारे छोटे-छोटे टिश्यू को ले आए और आपने डाल दिया उसको एक पेट्री डिश के अंदर ये बहुत सारे टिश्यू है बेटा आपने इसको न्यूट्रिएंट वाला मीडियम देना है मतलब देखो आप टिश्यू को ग्रो कराओगे आर्टिफिशियली लैब के अंदर तो सारा खाना तो आपको देना पड़ेगा ना सोइल के अंदर जो न्यूट्रिय होते हैं so और, और टिश्यू को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया है टिश्यू थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू करेगा और कैलस के अंदर नजर आएगा आपको डिवाइड करके कैलस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा फिर कैलस से ग्रो करने के बाद आप देखोगे एक छोटा सा पौधा बन गया है एक छोटा सा प्लांटलेट बन गया है जिसकी अपनी रूट आ सकती है और शूट आ सकती है हाय प्रिंस आई डोंट नो राम स्वाथ मुझे नहीं पता है आपके क्वेश्चन का आंसर द टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेटा टिश्यू कल्चर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ना इसमें बहुत लार्ज नंबर से प्लांट्स ग्रो कर सकते हो लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो डिसीज लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आप अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो

अ अ अ को पहचान गए है ना तो बेटा sexual reproduction के अंदर क्या क्या होता है इसको ध्यान से समझना है सबसे पहले तो सेल का फॉर्मेशन होगा नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है one is male and one is female. तो यार सबसे पहले तो वो अपने अपने तरीके का सेल बनाने वाले हैं गैमिट बनाने वाले हैं तो मेल्स ने बना दिया स्पर्म्स और फीमेल ने बना दिया एग उसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि स्पर्म और एग आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद बन जाता है जाइगौट. फ्यूज करने के बाद बच्चों क्या बन जाता है? बन जाता जाता है 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 फिर वो बार बार सेल डिवीजन करता है और बना देता है एक छोटा सा बेबी जायॉट यूनिसेल्यूलर होता है बच्चों याद रखना है जाइगॉट कैसा होता है यूनिसेल्यूलर यानी कि एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है वो सेल लगातार डिवाइड करते रहते हैं और बहुत सारे सेल्स बना देते हैं बहुत सारे सेल बनने के बाद बन जाता है एक छोटा सा बच्चा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फायदा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लेकर आता है जैसे कि आपको पता है कि दो पेरेंट्स का डीएनए आपस में मिक्स हो रहा है दैट इज वाई वेरिएशन आर प्रोड्यूसड हमारे अंदर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे मामा के भी होंगे और पापा के भी होंगे मोर थिंग ये जो वेरिएशन आ रही है बच्चों हम जो एक दूसरे से इतना ज्यादा अलग दिखते हैं वो कैसे आई देखो पापा पास के पास भी 46 क्रोमोसोम है और मम्मी के पास भी 46 क्रोमोसोम है अगर 46 46 आपस में मिक्स हो जाएंगे तो बन जाएंगे 92 कुछ और ही बन जाएगा ये ह्यूमन बींग्स का बच्चा तो नहीं बनेगा सो so, 46 और 46 सिक्स एज इट इज नहीं जाते इनका जेनेटिक मटेरियल पहले होता है हाफ 46 विल डिवाइड हाफ 23 एंड 23 एंड देन 23 एंड 23 ये स्पेशल प्रोसेस है इसको मियोसिस बोलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में तभी हो रहा है बेटा जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है उसके अलावा ये प्रोसेस नहीं होता और कहीं हमारे सारे सेल्स माइटोसिस कर रहे हैं फोटोकॉपी की तरह मशीन की तरह काम कर रहे हैं और बहुत सारे सेल्स और डीएनए बना रहे हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गैमीट्स बनने होते हैं

राइट right, बच्चों गुंजन महादेव दिव्या अनुज सत्यम वेरी गुड ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम होंगे सिमिलरली इन एग होने वाले हैं क्योंकि यहां पर हो गया है मियोसिस सिर्फ एग और स्पर्म सेल ऐसे हैं जिनके अंदर ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम होंगे इसके अलावा अगर दिव्या कोई भी और सेल का नाम ले दिया तो उसके अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स ही होते हैं वो मियोसिस नहीं करते फोर्टी सिक्स की एज इट इज कॉपी बनाते है. आगे बढ़ रहे हैं अब हम वेरिएशन का क्या फायदा है यार हमें इतना ज्यादा एक दूसरे से अलग क्यों दिखना है ताकि हम इवॉल्व कर सके और बेहतर हो सके बेटर हो सके ठीक है आगे बढ़ रहे हैं अब हम फ्लारिंग प्लांट्स की बात करते हैं फ्लार्स भी होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं बेटा अंडरस्टैंड दिस देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लॉर्स बाईसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल बाई का मतलब होता है टू यूनी का मतलब होता है वन तो वो वाले फ्लार्स अच्छा फ्लार्स का रिप्रो फ्लार्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है फ्लार ही होता है फ्लार इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लार इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूरे प्लांट में रिप्रोडक्शन कौन करेगा फ्लार करेगा अब ये बाइसेक्शुअल है बाइसेक्शुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही सेम फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट हो मेल एंड फीमेल पार्ट इज लोकेटेड ऑन द सेम फ्लावर दैट इज नोन एज बाई और वहीं पर यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा जिसमें मेल फ्लावर अलग है मेल प्लांट इनफैक्ट पूरा अलग है और फीमेल प्लांट कंप्लीटली अलग है जैसे पपाया वाटरमेलन इनके अंदर बेटा मम्मी पापा जैसी चीजें होती है मतलब मेल फ्लावर बिल्कुल अलग और फीमेल फ्लावर बिल्कुल अलग ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या क्या है चार पार्ट फ्लावर के अंदर बेटा फर्स्ट वन इज द कैलिक्स कैलिक्स इज द ग्रीन कलर वाला पार्ट अगर आपने देखा हो कोरोला होता है कलरफुल पार्ट जैसे आपने फ्लावर के कितने अलग अलग कलर्स देखे होंगे रोज वाइट भी होता है हाय अनुराग गुड इवनिंग यस आईदर मेल और फीमेल इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल कोरोला इज द कलरफुल पार्ट आपने देखा होगा ना कितने गेंदे का ही फूल ऑरेंज कलर का भी होता है येलो भी होता है रोज़ेस भी व्हाइट होते हैं रेड होते हैं पिंक होते हैं अलग अलग कलर के रोज़ेस होते हैं तो जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है ना उसको कोरोला बोलते हैं वेरी गुड कोरोला कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज पेटर्स और बेटा उसके बाहर जो ग्रीन कलर की पत्तियां लगी हुई होती है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं या फिर सेपल्स बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं या फिर सेपल्स बोल सकते हैं कोरोला पेटल्स आदित्य अभी 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 बता दी अभी बेटा इज कार्पल मैं आपको बताने वाली हूँ एंड्रोशियम एंड्रोशियम टर्म का मतलब होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर या फिर इसको स्टेमन भी बोल सकते हैं हाय अनुराग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जिसको स्टेमन भी बोल सकते हैं देर इज समथिंग कॉल्ड एज गाइनोशियम बेटा गाइनोशियम इज़ फीमेल पार्ट ऑफ़ फ्लावर ऑल्सो नोन एज कार्पल चलो मैं आपको फिर से नाम याद कराती हूँ कलरफुल पार्ट को पेटल्स बोलेंगे या फिर कोरोला बोलेंगे ग्रीन वाले जो पत्ते लगे हुए हैं उनको सेपल्स या फिर कैलिक्स बोलेंगे उसके बाद मेल पार्ट को स्टेमन या फिर एंड्रोशियम बोलेंगे फीमेल पार्ट को कार्पल या फिर गाइनोशियम बोलेंगे कार्पल का एक और नाम है यहां पर पिस्टिल एक और नाम है यहां पर पिस्टिल कार्पल का एक और नाम है पिस्टिल कौन सी ड्रॉ दीज पार्ट्स बेटा अगर मैं आपको बताऊं स्टेमन के भी स्टेमन विच इज द मेल पार्ट इसके दो पार्ट्स आगे और होते हैं वन इज एंथर एंड वन इज फिलामेंट वन इज अच्छा हाँ कल आपकी अनुराग वो लास्ट में एंड हो गई थी क्लास यस बेटा कल क्या हुआ पावर कट हो गया था ना अनुराग सो so, उसका आगे का कंटिन्यूड वर्जन आने वाला है थर्टीथ को या ट्वेंटी नाइन्थ को डल जाएगा बेटा प्रीमियर डलेगा उसका आई हैव रिकॉर्डेड द सेशन ऑलरेडी कल बहुत लंबा पावर कट हो गया था देर वॉज सम इशू वी नेवर वी इन गेट टू नो सो जो भी आगे का सेशन रह गया वो रिकॉर्डेड पार्ट में डल जाएगा आप वहां से देख सकते हो उसके बाद देयर इज अनदर पार्ट कार्पिल एंड पिस्टिल दिस इज फीमेल पार्ट इसके अंदर तीन और पार्ट्स है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी

बेटा दिस इज बाई सेक्शुअल और यूनिसेक्सुअल ये बाई सेक्शुअल है या फिर यूनिसेक् विल बी कॉल्ड एज क्या बोलेंगे इसको बाई सेक्शुअल बोलेंगे राइट right, बेटा इसको बाई सेक्शुअल बोलेंगे सेम पर लोकेटेड है दिस इज बाइसेक्सुअल गुड और ये जो फ्लार आपको दिख रहा है ना दिस इज हिबिस्किस ये जो फ्लार आपको दिख रहा है दिस इज हिबिस्किस कौन सा है ये हिबिस्कस फ्लावर है चलो आपको सेंटर में दिख रहा है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अब इसमें बेटा एंथर का काम क्या है ये जो एंथर आपको दिख रहा है ना इसका काम है पोलन ग्रेन्स बनाना एंथर का काम है पोलन ग्रेन्स बनाना फिलामेंट का काम है एंथर को हाइट देना फिलामेंट का क्या काम है बेटा एंथर को हाइट देना कभी कभी फिलामेंट बहुत छोटे से होते हैं और एंथर नीचे ही पड़े होते हैं कभी कभी फिलामेंट बहुत लंबे होते हैं और एंथर ऊपर हो जाते हैं उसके बाद स्टिग्मा का काम है नेक्टर बनाना स्टिग्मा का काम है नेक्टर बनाना नेक्टर एक स्वीट केमिकल होता है जिससे बीज वगैरह अट्रैक्ट होती है और इसके ऊपर खाना खाने के लिए आती है उसके नीचे जो आपको लंबी सी ट्यूब दिख रही है बेटा इसको स्टाइल बोलते हैं स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब बनती है यानी कि जब ये पोलन ग्रेन आ गया इसके ऊपर बैठ गया तो पॉलन ग्रीन एक पॉलन ट्यूब बनाता है और वो किसमें जाती है स्टाइल के अंदर जाती है नेक्स्ट आपको दिख रहा है ओवरी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेट अस स्टडी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट होगी चलो बेटा मैं आपको ना यहां पर बताती हूँ अंडरस्टैंड दिस जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर एग बनते हैं सेम तरीके से इवन इन फ्लार्स इवन इन फ्लार्स सेम थिंग इज हैपनिंग के अंदर भी मेल गैमिट बनता है और फीमेल गैमिट बनता है मेल गैमिट बनता है और फीमेल गैमिट बनता है हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है अब ये जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बन रहे हैं इनकी लोकेशन अलग अलग होगी मेल गैमिट आता है पॉलेंड ग्रेन से और फीमेल गैमिट बनता है एम्ब्रियोसैक के अंदर ठीक है यानी कि यह सैक कहा प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा नाउ पॉलन ग्रेन बना लिया इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमिट होते हैं। वन मेल गैमिट और ये हो गया दूसरा मेल गैमिट पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमिट्स होते हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है तो इसको ध्यान से सुनना और ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है इसके अंदर तो दो गैमीज है बट एक ओव्यूल के अंदर बहुत ही अलग कहानी चल रही है इसके अंदर बेटा सेवन सेल्स मिलेंगे और आठ न्यूक्लियस मिलेंगे कितने सेल्स मिलेंगे सेवन सेल्स एंड एट न्यूक्लियस सेवन सेल्स एंड एट न्यूक्लियस बेटा देखिए आप सेवन सेल्स कैसे हैं सबसे ऊपर आपको दिख जाएंगे तीन एंटी सेल्स थ्री एंटी सेल्स कैन यू ऑल सी थ्री एंटी सेल्स वन टू एंड थ्री तीन एंटी सेल्स हो गए नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे दो सिनर्जिड्स ये देखो दीज आर टू सेल्स नोन एज सिनर्जिड्स ठीक है इनके बीच में प्रेजेंट होगा एक एग सेल इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा एक एग सेल और सेंटर में प्रेजेंट होगा एक सेंट्रल सेल सेंटर में है ना तो इसका नाम रख दिया सेंट्रल सेल बेटा बेटा क्या पढ़ना है अनुज मैं आपको बताऊंगी अभी ये नाम आपको याद नहीं रहेंगे इट्स ओके बट आपको ना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हाउ आर द टू स्टैंड इन डीएनए मॉलिक्यूल हेल्ड टूगेदर कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा देखो इसमें ना बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं अनुराग जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी देन आई विल टेल यू दिस इन डिटेल कि कौन सा बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है बट आंसर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड अब वो कैसे बनाए वो आपको पढ़ना पड़ेगा ना दैट आई एम गोइंग टू टेल यू जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे अनुराग डू वन थिंग मैंने आपको ना नीव उड़ान के ऊपर डीएनए के ऊपर एक सेशन डाला हुआ है अक्टूबर या नवंबर में वो आपको सेशन मिल जाएगा उसमें कंप्लीटली अगर आपको पढ़ना है डीएनए के बारे में एवरीथिंग इज मैंशन दे आप वहां पर जाकर देख लेना सेशन को हाँ अभी उसकी एडिन की बात नहीं करो हाय गुड आफ्टरनून बेटा देखो अब क्या है आपको ये सारे नाम पढ़ने पढ़ने तो है याद रह जाते हैं तो अच्छी बात है बट इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आएगा ठीक है सो so, देखो ये आपका एक एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर ऊपर तीन एंटीपोडल सेल्स हो गए बीच में एक सेंट्रल हो गया तीन और एक चार यहाँ पर दो सिनर्जिट सेल्स हो गए छह और सेंटर में हो गया एक एग सेल बेटा ठीक है अब यार यहां पर दो मेल गेमीट्स से पॉलन ग्रेन के पास और फीमेल गैमीट के पास देखो कितने सारे सेल्स हैं और एक और बात बताओ ये जो सेंट्रल सेल है ना इसके अंदर दो पॉलर दो न्यूक्लियस होते हैं सेंटर वाले सेल के, के अंदर आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है ना तो बेटा इसको समझो डबल फर्टिलाइजेशन को समझो पॉलन ग्रेन अपने पास दो गैमीट्स लेकर आया पॉलन ग्रेन सेंट्रल सेल ऑलसो कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस बेटा हाँ बोल तो सकते हैं बोल सकते हैं बट यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा चलो समझो इसको ये मेल पॉलन ग्रे और ये आपका एक्सेल हो गया ओव्यूल अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं ये सवाल है वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन का मतलब तो यही था ना कि यार एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज हो जाए पर आपने क्या देखा कि ग्रेन अपने अंदर दो किस लाया है तो यार दोनों की फ्यूजन हो गई इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पर आप देख तो लो कि फ्यूजन कहाँ होगी जब आपने एम्ब्रियोसैक का ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया बेटा तो आपको साफ साफ समझ आ रहा है एक तो होगी फ्यूजन सेंटर वाले सेल के पास एक फ्यूजन कहा होगी सेंटर वाले सेल में होगी ये फर्स्ट वाला मेल गैमिट इस सेंटर वाले सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा इस सेंटर वाले सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा तो दो न्यूक्लियस इसके खुद के और एक न्यूक्लियस इस मेल गामिट का इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन क्या बोलेंगे इसको ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज कर चुके हैं दूसरा मेल ग्यामिट भी है इसने भी फर्टिलाइज करना है तो यार ये फर्टिलाइज करेगा इस एग सेल के साथ ये फर्टिलाइज करेगा इस एग सेल के साथ दो जगह हो गई फर्टिलाइजेशन ऊपर हुई सेंटर वाले सेल के साथ और नीचे इसने करी है एग सेल के साथ दिस इज दैट इज इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि दो अलग अलग जगह फ्यूजन हो रही है मेल गैमिट कितने आए थे दो आए थे एक ने सेंटर सेल के साथ फ्यूजन कर लिया और एक ने नीचे की तरफ फ्यूजन कर लिया ठीक, ठीक है ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है अनुराग ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है अनुराग आगे बढ़ते हैं अब हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखो क्या क्या इवेंट्स है सबसे पहले मेल और फीमेल बने मेल और फीमेल गैमिट बने यानी कि यहां पर ग्रेन अपने अंदर दो गैमिट्स ले आया और फीमेल गैमिट आपने देख ही लिया एम्ब्रियो सैक कैसा होता है उसके बाद बेटा पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन एंथर से उड़ने के बाद जब फीमेल के ऊपर जाकर बैठते हैं दैट इज नोन एज पॉलिनेशन उसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन है ना उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है देखो ये एक पेड़ है इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं अगर बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है अगर यूनिसेक्सुअल है तो इसके पास मेल होंगे सारे के सारे एंथर्स होंगे इसके पास होंगे सारे के सारे एग्स और ओव्यूल्स तो पोलन ग्रेन्स ऑबवियसली इससे उड़कर इसकी तरफ आएंगे ना इसको क्या बुलाएंगे क्रॉस पोलिनेशन क्या बुलाओगे इसको क्रॉस पोलिनेशन बुलाओगे बट वहीं पर अगर ये बाईसेक्सुअल होता यानी कि इसी फूल के अंदर मेल और फीमेल और इसी फूल के अंदर मेल और फीमेल तो यार इसकी पोलन ग्रेन्स उड़कर इसी में फर्टिलाइज कर देते ना तब आप इसको सेल्फ पोलिनेशन

पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होंगे अब सवाल ये आता है कि यार कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है तो यार ये जो आपको मच्छर दिख रहे हैं फ्लाइज दिख रही होती है बटरफ्लाइज हनी बीज़ ये सब हेल्प करती है पोलिनेशन में उसके बाद एजेंट्स आपको दिख गए इंसेक्ट्स के साथ साथ हवा के साथ भी पॉलिन ग्रीन उड़कर चले जाते हैं बर्ड्स भी हेल्प करती है पॉलिनेशन के अंदर एनिमल्स की स्किन से भी चिपक जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं ठीक है वॉटर एंड एयर यस एंड एयर भी ऑटोगी गीटनोगी अभी अनुज बात नहीं करनी है ना क्लास टेंथ में नहीं पूछा जाएगा बेटा ऑटोगी और गीटनोगी क्या होता है नाउ फर्टिलाइजेशन मैंने आपको अभी पढ़ाया कि फर्टिलाइजेशन कब हो रही है पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है स्टिग्मा के अंदर जाती है देखो क्या होता है पर एक आया बेटा ने ना ट्यूब का बनाना शुरू कर दिया। ट्यूब से देखो, दो मेल जा रहे हैं। फीमेल जर्म सेल के अंदर बहुत सारी सेल्स दिख रहे हैं तो यही पर हो जाएगी डबल फर्टिलाइजेशन जो मैंने अभी आपको समझाई आपको पता है कहाँ कहाँ दो जगह फ्यूजन होनी है बेटा इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये रहे तीन एंटीपोडल सेल्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको दिख जाएंगे दो सिन ये रहे वन एंड टू बीच में दिख जाएगा आपको एक एग सेल और सेंटर में दिख जाएगा आपको सेंट्रल सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं इसलिए इसको पॉलर न्यूक्लियर भी बोला जाता है एक फर्टिलाइजेशन होगी बेटा पॉलर न्यूक्लियस के साथ और दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है इस एग्सैल के साथ ऊपर और नीचे कैसे भी बना सकते हैं मैंने अपने डायग्राम में एंटी पॉडल ऊपर बना दिए थे ना तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है डबल फर्टिलाइजेशन आप समझ चुके हो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है यानी कि अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है एग्स और स्पर्म आपस में फ्यूज कर चुके हैं यहां पर हम बोलेंगे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज कर चुके हैं उसके बाद क्या होगा बेटा जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है ना तो इफ यू रिमेम्बर जो ओव्यूल है वो बना देता है सीड ओव्यूल बना देता है सीड और ओवरी बना देता है फ्रूट ओवरी बना देता है फ्रूट ओव्यूल क्या बना देगा सीड बना देगा और ओव्यूल बना देगा फ्रूट ठीक है जैसे आप एप्पल खाते हो तो एप्पल का जो बाहर वाला पोर्शन आपने खाया वो ओवरी है और उसके अंदर जितने भी आपको सीड्स दिख जाते हैं वो ओव्यूल्स है जितने भी सीड अंदर दिख जाते हैं वो ओव्यूल्स है टोमैटो इज ऑल्सो अ फ्रूट अगर आपको पता हो ये देखो क्या हुआ है टोमेटो बनने से पहले की कंडीशन है ये बन गया ओवरी अब लास्ट में क्या बच जाता है सिर्फ और सिर्फ ये टमाटर आता है हमारे घर पे देखो बट ये किसी जमाने में पूरा का पूरा क्या रहा था एक फ्लार रहा था ये रहे इसके पेटर्स ये रही इसकी ओवरी इसके अंदर देखो बहुत सारे सीड्स पड़े हुए हैं तो टोमेटो के अंदर एक ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन हुआ एंड यहाँ पर पूरा का पूरा खाने वाला एरिया बन गया उसके अंदर जो सीड्स थे वो किसी जमाने में क्या रहे होंगे ओव्यूल्स रहे होंगे ठीक है फर्टिलाइजेशन uh, yes, हो जाती है ना अनुराग तो बाकी सारे पेटल्स और सेपल्स गिर जाते हैं और फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं प्लांट सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन होती है बेटा सब में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनजीओ की एनजीओ ही वो फ्लावर्स है वो प्लांट्स है जिनके ऊपर फूल लगते हैं एनजीओ स्पर्म्स आर द वन जिसके ऊपर फूल लगते हैं बाकी सारों का अलग मेथड होगा रिप्रोडक्शन का नाउ द फ्रूट द जर्मिनेशन हैज टेकन प्लेस अब सीड को ग्रो करना है फर्टिलाइजेशन खत्म हो गई अब बेटा आपको एक टमाटर आ गया आपके पास या एक एप्पल आ गया उसके उसका सीड भी आपके पास आ गया अब आप सीड से नया प्लांट बनाओगे कि नहीं बनाओगे तो इसी को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन एक सीड के बाहर जो हार्ड कोट होता है हार्ड कवरिंग होती है उसको सीड कोट बोलते हैं सीड के अंदर जो सारा का सारा वाइट कलर का सब्सटेंस आपको दिखता है दैट इज नोन एज कॉटिलिडन कॉटिलिडन के अंदर सारा का सारा खाना स्टोर्ड है एंड देन देयर इज एम्ब्रियो एक्सिस एम्ब्रियो एक्सिस से निकलेगी फ्यूचर एक रूट और निकल जाएगी फ्यूचर एक शूट फ्यूचर रूट को रेडिकल बोलते हैं फ्यूचर रूट को रेडिकल बोलते हैं और फ्यूचर शूट को बेटा प्लियूल बोलते हैं फ्यूचर रूट को रेडिकल बोलते हैं नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी सबसे पहले गैमिट्स बनेंगे

और पीछे की तरफ एक टेल होगी और ये है बेटा एग सेल एग सेल में आप देख रहे हो एग के पास क्या है एग का साइज बहुत बड़ा होता है एग का साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द स्पर्म द साइज ऑफ एग इज वेरी मच लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ स्पर्म इज दिस क्लियर बच्चों साइज में डिफरेंस समझ आ गया है सबको चलो आगे बढ़ते हैं अब हम हाँ टेल हेल्प करती है मूव कराने में एग जो है नॉन मोटाइल होता है बेटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ये स्पर्म तो मोटाइल है मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है बट एग इज नॉन मोटाइल इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन लेट अस स्टडी इन डिटेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको पार्ट्स बनाना भी सिखाऊंगी उनके फंक्शन भी बताऊंगी आप अपनी नोटबुक जरूर खोल लो आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए जिसपे आप भी प्रैक्टिस करो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा ड्रॉ करना शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम बनाएंगे टेस्टिस टेस्टिस क्या है टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मेल ग्यामीट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन यहीं पर होगा स्पर्म्स का फॉर्मेशन यहीं पर होगा और उसको बोलते हैं हम इज द प्रोसेस जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ठीक है कैन अनफर्टिलाइज एग हाँ बेटा हो सकता है उसको पार्थिनो कैर्पी बोलते हैं अनुराग उसको पार्थिनो कैर्पी बोलते हैं जब एक अनफर्टिलाइज एग यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक फ्रूट बन रहा है

जो स्पर्म्स बने वो यहाँ से प्रोड्यूस होकर आगे गए फिर रास्ते में तीन ग्लैंड्स आ जाते हैं one is seminal plasma. दो seminal plasma होते पेर में प्रेजेंट होता है बेटा ये देखो ये रहा प्लाज्मा वन ऑन लेफ्ट साइड एंड वन ऑन राइट साइड उसके बाद बीच में आ जाता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होता है ये पेयर में नहीं होता एंड देन इसके नीचे प्रेजेंट होती है यूरिथ्रा 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 कॉमन पैसेज यूरिन भी पास आउट होगा और जहां सेन भी पास आउट होंगे यूरिन भी पास आउट होगा और स्पर्म्स भी पास आउट होंगे तो दिस इज यूरिथ्रा जो की कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए ऊपर यूरिनरी ब्लैडर बनाया हमने तीन एसेसरी ग्लैंड बना दिए है सेमाइनल रिसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड या फिर उसको बल्बो यूरिथरल ग्लैंड भी बोलते हैं ये सारे के सारे ग्लैंड मिलकर सीमन की प्रिपरेशन करते हैं सीमन का मतलब होता है स्पर्म सेल्स और साथ ही साथ उसके अंदर वो मीडियम है वो फ्लूड है जो कि ग्लैंड ने बनाया दैट इज नोन एज सेमाइनल प्लाज्मा क्या बोलेंगे उसको सेमाइनल प्लाज्मा बोलेंगे एंड स्पर्म एंड सीमाइनल प्लाज्मा टुगेदर फॉर्म्स द दिमन

ऑर्गन जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहीं से यूरिन पास आउट होता है देन लेट अस टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है ओवरी ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स के अंदर और ओवरी से जो ट्यूब निकल रही है लेफ्ट और राइट साइड उसको क्या बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं चलो मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगी आपको यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे इधर एक ट्यूब और राइट साइड भी एक ट्यूब इन ट्यूब को फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब ये दोनों साइड से निकल रही होगी बेटा एंड यहाँ एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको बोलते हैं यूटेरस पाउच जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको बोलते हैं यूटेरस यूटेरस के नीचे थोड़ा नैरो एरिया हो जाता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं एंड देन सर्विक्स ओपन इनटू टू वेजाइना सर्विक्स ओपन इनटू टू वेजाइना हाय नमस्ते आयुष यहाँ पे देखो ओवरी है लेफ्ट साइड राइट साइड ये देखो ओवरी है तो इस ओवरी ने बनाया एग और एग को प्रोड्यूस करके डाल दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है बेटा अगर स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे तो इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होगी दिस एरिया इज नोन एज यूटेरस यूटेरस के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल्स की की डिवीज़न हुई है, स्टेज पर यहां पर अंदर आके सेल खुद को इम्प्लांट कर लेता है ठीक है यूटेरस इज द एरिया जहां पर बेबी की ग्रोथ होती है

ये जो तो आपको छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है बेटा दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एग 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 आप देखो अब कितना कितना बड़ा है और स्पर्म कितना है है और छोटा जैसे ही एंटर करता ओवम के अंदर उसके बाद बाकी सारे स्पॉम्स एंटर नहीं कर पाएंगे एंड वही स्पर्म फर्टिलाइज करने के बाद क्या बना देता, है? बना देता है। सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है ल्युलर इसके अंदर क्रोमोजोम जो आए हैं वो भी फोर्टी सिक्स है बट ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम फादर से आए हैं और ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम मदर से आए हैं यह सौभाग्य यू आर राइट इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो जाइगॉट बन चुका है जाइगॉट तो कहां बन गया था फेलोपियन ट्यूब के अंदर बन गया था वो जायकॉट फिर डिवाइड करना शुरू करेगा एक से दो सेल दो से चार चार से आठ आठ से सोलह सोलह से और ज्यादा डिवीजन होती रहेगी जब ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएगा ना वो आकर यूटीरस के अंदर खुद को इम्प्लांट कर लेता है यूटीरस की अंदर वाली लेयर के अंदर जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसके अंदर राग खुद को फिक्स कर लेता है नहीं अनुराग सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी एग रिलीज करती है हर महीने ओनली वन लेफ्ट भी हो सकती है और राइट right भी हो सकती है, क्या होता है? बेटा देखो, ये जो आपको मैंने बताया ना डायग्राम फेलोपियन ट्यूब वाला तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर सिलियेटेड एपिथीलियम प्रेजेंट हुआ है एपिथीलियम क्या होता है सबसे पहले तो एपिथीलियम का मतलब समझो अभी हम जो इनकी बात नहीं करेंगे बेटा

तो ये सिलिया है जो एग को धक्का दे देकर आगे तक पहुंचाते हैं धक्का दे देकर आगे तक पहुंचाते हैं ठीक है चल, आगे देखो फर्टिलाइजेशन आ गया आपको फर्टिलाइजेशन हो गया यहां फर्टिलाइजेशन में आपने देख लिया किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ठीक है देन यहां पर बेबी की डेवलपमेंट आपको दिख रही है अब ये यार एक और क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स आई गॉट डिवाइड्स एंड ट्विंस आर फॉर्म कितने एक्साइटेड रहते हो ना तुम ट्विंस के बारे में पढ़ने के लिए देखो समझो मैंने आपको बताया ना इम्प्लांटेशन हुई थी तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे कभी कभी सेल्स के जो बॉल्स बन रही हैं सेल्स का जो ग्रुप बन रहा है ना वो कभी कभी दो बन जाते हैं दो बॉल बन जाती है सेल्स की और दोनों खुद को इम्प्लांट कर लेती है जाइगॉट तो बना ही था बट उसके बाद दो दो सेल्स डिवाइड कर जाते हैं वहां पर माइटोसिस हो जाती है और दोनों के दोनों खुद को इम्प्लांट कर लेते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर ठीक है यस व्हाट हैपन्स अगर फर्टिलाइजेशन uh, नहीं हुई तो बेटा मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है देखो जब फर्टिलाइजेशन uh, हो रही थी ना उस टाइम पे यूटेरस की सबसे अंदर वाली जो वॉल है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो खुद को प्रिपेयर करती है कि यार जयगॉट आएगा और फर्टिलाइजेशन होगी बेबी की डेवलपमेंट होगी बट ये प्रोसेस तो हर महीने हो रहा है हर महीने तो फर्टिलाइजेशन होती नहीं है एंडोमेट्रियम वॉल खुद को हर महीने प्रिपेयर कर लेती है तो दैट इज वाई हर महीने फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एंडोमेट्रियम वॉल खुद को बॉडी से रिमूव कर लेती है दैट इज द पार्ट ऑफ मैं That is menstruation. So, menstruation में क्या होगा एंडोमैट्रियम वॉल खुद को डिस्कार्ड कर लेती है बॉडी से रिमूव कर लेती है और इसी को मैं फेज भी बोलते हैं मैं फेज इस जब एंडोमैट्रियम ने खुद को बॉडी से डिस्कार्ड कर लिया ठीक है पॉलिनेशन हमें ऑलरेडी डिस्कस कर सक चुके हैं आयुष

एग्स ना एग्स नहीं ओवरी के अंदर फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर इमेच्योर एग्स पड़े हुए होते हैं जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी पर पहुंचती है तो इमेचर एग रिलीज होता है और मेच्योर होना शुरू कर देता है जैसे ही वो मेच्योर होगा बाहर आएगा बॉडी से फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएगा स्पॉम के साथ फर्टिलाइज करेगा और जायॉड बन जाएगा बट यार ये जो मेच्योर होने वाला प्रोसेस है ना ये लंबा प्रोसेस है इसमें फोर्टीन डेज लग जाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरी की पूरी 28 डेज की होती है ये yes, बेटा मेंस्ट्रुएशन और पीरियड सेम होते हैं देखो मैं आपको ना साइकिल की हेल्प से बताना चाहूंगी इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना जितने भी क्लास टेंथ के लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बट स्टिल अगर आप डिटेल में साइकिल पढ़ना चाहते हो तो नीव उड़ान पर मैंने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है आप जाकर देख सकते हो ये पूरी की पूरी साइकिल ट्वेंटी डेज की होती है फोर्टीन डे पर हेल्दी एग रिलीज होता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है तो उससे पहले क्या हुआ उससे पहले बेटा एग मेच्योर हो रहा था ओवरी के अंदर बहुत सारे एग्स पड़े हुए होते हैं इसके पास एक सिग्नल आता है कि एग तुम्हारा होने का टाइम आ गया है तो ये मेच्योर होता है मेच्योर होते होते कितने दिन लग गए डेज लग गए अब फोर्टीन डे पर अगर स्पर्म प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तो बहुत अच्छी बात है फिफ्टीन डेज भी स्पर्म प्रेजेंट है बॉडी के अंदर तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग बेटा दो दिन तक सर्वाइव कर सकता है डे तो आया है तो फिफ्टीन डे तक भी वो सर्वाइव कर पाएगा स्पर्म आएंगे बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बट मान लो स्पर्म नहीं आए इस दिन तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इसी एग को बॉडी से डिस्कार्ड कराया जाएगा ये एग अपने अंदर का अंदर से कॉर्पस ल्यूटियम भी बनाता है बेटा कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम ना डिस्कार्डेड एग को बोलते हैं डिस्कार्डेड स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं अभी सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना क्लास टेंथ के लिए रिक्वायर्ड है जो मैं आपको बता रही हूँ

कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टिरोन हार्मोन बनाना शुरू करता है वट इज द सिग्नल दिस सिग्नल माइट भी बिकॉज ऑफ येस अनुराग दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफ एस एच हॉर्मोन है बेटा हम इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे अगर आप मैंसुअल साइकिल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको क्योंकि उसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मैंसुअल साइकिल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्लियर हो जाएगा ये क्विक सेशन है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ आप मैंसुअल साइकिल वाला सेशन नी उड़ान पर देख सकते हो हाई बच्चो गुड आफ्टरनून एनी अदर डाउट आयुष जस्ट आई टोल्ड यू बेटा मैम तो केवल एग ही निकलना चाहिए ब्लड क्यों रिलीज होता है एंडोमेट्रियम वॉल जो है ना यूटिरस की अंदर वाली uh, तो अनुज होता क्या है ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये बेबी को प्रोटेक्शन देने के लिए ही बनती है तो इसको लगता है कि फोर्टीन डे हो गया एग बन गया होगा एग होगा फर्टिलाइजेशन होगी स्पर्म होंगे बॉडी के अंदर और मस्त एक बेबी बनेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसको कवर करने के लिए खुद को बनाती है बट यार इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना क्योंकि बेबी तो बना ही नहीं सो दैट इज वाई एंडोमेट्रियम ने जो इतनी मेहनत करी खुद को बनाने की वो किसी काम की नहीं होती तो ब्लड वेसल्स वहां से शेड हो जाती है एंडोमेट्रियम के अंदर बहुत सारा टिश्यू बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक करता है इसीलिए ब्लड का फ्लो होता है थ्री फोर डेज जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो वाला टाइम होता है अरे ट्विंस के बारे में अभी नहीं ना क्लास इलेवेंथ में टॉपिक आएगा हाँ बिल्कुल आएगा ऑल डिटेल में आएगा क्लास इलेवेंथ में चलो बेटा अब आपको पता है ये कौन सी स्लाइड आ गई हाँ यहाँ देखो मीनार्श एक टर्म मैं आपको बना, बताती हूँ मीनार्श मीनाश इज़ द फर्स्ट मैंस्ट्रेशन देखो प्यूबर्टी के टाइम पे मैंस्ट्रिएन स्टार्ट होता है जब एक गर्ल टेन से ट्वेल्व ईयर्स के बीच में आती है ये एक एवरेज टाइम है किसी में जल्दी और किसी में लेट भी हो सकता है तो दस से बारह साल की उम्र में बेटा फर्स्ट मैंस्टुरेशन स्टार्ट हो जाता है जिसको मीनाश बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड में पूछा जा सकता है उसके बाद प्यूबर्टी मतलब स्टार्ट हो गई है मैंस्टुरेशन स्टार्ट हो गया है तो बारह से पचास साल की उम्र तक मैंस्ट्रिएशन चलता है उसके बाद पचास साल के बाद बॉडी के अंदर एग्स खत्म हो जाते हैं ओवरी के अंदर एग्स खत्म हो जाते हैं लिमिटेड एग्स प्रेजेंट भेजे हैं भगवान ने कुछ एग्स भेजे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट भेजा हुआ है वो जब तक बॉडी के अंदर हर महीने एग में चेंज होते रहेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन होती रहेगी जिस दिन वो एग्स खत्म हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो एवरेज अगर हम निकालें फिफ्टी ईयर्स तक वो एग रहते हैं फिर वो एग्स खत्म हो जाते हैं तो फिफ्टी के बाद मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा इसको बोलते हैं मीनो इसको बोलते हैं मीनो फोलिकल्स होता है बेटा यस yes, जो एग मैं बोल रही हूँ सौभाग्य ठीक है, है।, है।, है, है।, हाँ, है राम स्वर्थ अभी हमें ट्विंस के बारे में बात नहीं करनी है बेटा क्विक सेशन है ना मैं अगर कुछ भी एक्स्ट्रा कहूंगी तो टाइम हो जाएगा और मुझे जल्दी से सेशन खत्म करना है अभी ताकि आपको चीजें समझ भी आए दो एग्स रिलीज होते हैं क्या क्योंकि दो ओवरी है नहीं बेटा हर महीने एक एग रिलीज होता है कोई भी ओवरी रिलीज कर देती है अभी इस चीज को लेकर रिसर्च फिर भी कर रहे हैं अभी तक ऐसा माना गया है कि एक महीने लेफ्ट वाली ने किया तो दूसरे वाले महीने राइट वाली ओवरी कर देती है फिर फिर से लेफ्ट वाली कर देती है फिर राइट वाली कर देती है ऐसे टर्न वाइज होता है बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग अभी भी रिसर्च में ये चीज के बारे में हम श्योर नहीं हो पाए जायगॉट बन गया बेटा अब आपको पता है जायगॉट के अंदर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम आए है तो टोटल फोर्टी सिक्स बट आधा मम्मी से और आधा पापा से इसलिए जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा अलग दिखता है अपने मम्मी पापा से

पहले जाइगॉट बना था फेलोपियन ट्यूब के अंदर अब zygote एक से दो में चेंज होगा दो से चार में बनेगा चार से आठ आठ से सोलह उसके बाद हो जाएगा इसका इम्प्लांटेशन और ये यूटीरस के अंदर आ जाएगा ठीक है अब ये जो एंडोमेट्रियम बनी थी अगर आपको याद है वो बनाएगी प्लासेंटा प्लासेंटा एक टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे को और मम्मी को कनेक्ट करके रखता है प्लासेंटा इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि मदर और फीटर्स के बीच में कनेक्शन बनाएगा देखो ये एक प्लास बच्चा है एंड यहाँ पर प्लासेंटा जैसा एक टिश्यू होगा जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी और वो ब्लड वेसल मदर और बेबी को कनेक्ट करके रखती है ठीक है थैंक यू अनुज यूटेरिन हाँ आपने पता चल गया चलो इसके बाद ना प्लासेंटा के बाद एक अम्बलिकल कोड भी होता है ये देखो ये रहा अम्बलिकल कोड ये नेवल से जुड़ा हुआ होता है इस अम्बलिकल कोड के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्टेम सेल बड़े होकर कोई भी नया सेल कन्वर्ट कर सकते हैं आज रिसर्च के टाइम पे ये भी होता है कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं ना उनके अम्बलिकल कोड को संभाल कर रखा जाता है पहले तो फेंक दिया जाता था डस्टबिन के अंदर अब अम्बलिकल कोड को संभाल कर रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर वो स्टेम सेल्स होते हैं जो कोई भी नया सेल बना सकते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे प्लास यू ऑलरेडी नो अब बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करनी है पॉपुलेशन की बात करनी है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की बात करनी है सो बेसिकली सबसे पहले हम बढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वट आर द फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड वट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन किसी तरीके से अगर हम फर्टिलाइजेशन को होने से रोक दें तो वो कॉन्ट्रासेप्शन कहलाएगा यानी कि आप नहीं चाहते एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो अब ये लोग ये कौन लोग प्रेफर करते हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है जो कपल है उनके बच्चे अगर कंप्लीट हो चुके हैं उनकी फैमिली कम्पलीट हो चुकी है सो दे so आती है रिदम स्ट्रैटेजी आपने अभी menstruation पढ़ा आपको पता है कि यार मैच्योर एग फोर्टीन डे पर ही बनता है उससे पहले तो बनने में ही टाइम चला गया फोर्टींथ डे के बाद डिस्कार्ड होना शुरू हो जाता है तो हम एक एवरेज ले सकते हैं चलो किसी के अंदर वेरी कर रहा है तो किसी के अंदर जल्दी एग बन गया होगा फोर्टीन तो ट्वेल्थ डे बन गया होगा किसी के अंदर लेट एग बना होगा फोर्टीन तो सिक्सटीन डे पर बना होगा तो ट्वेल्थ से सिक्सटीन अनसेफ पीरियड है बट उसके आगे पीछे वाला पीरियड तो सेफ माना जा सकता है ना स्पर्म्स आ भी गए बॉडी के अंदर बट एग तो है नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी इसको रिदम स्ट्रैटेजी बोलते हैं बट ये हंड्रेड परसेंट रिलायबल बिल्कुल भी नहीं होता इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता बिकॉज बॉडी टू बॉडी फीमेल्स बॉडी आर डिफरेंट एक फीमेल की बॉडी दूसरे फीमेल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पर्म तीन से चार दिन तक सर्वाइव कर सकता है और एक एग बेटा फोर्टी 8 आवर्स तक सरवाइव कर सकता है एग कैन सरवाइव अप टू 48 आवर्स ठीक है तो तब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है रिदमिक स्ट्रेटजी 100% सेफ नहीं होती देन इज द विड्रॉल टेक्निक विड्रॉल टेक्निक का मतलब क्या है कि जो सीमेन का इजेकुलेशन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ना होकर के बाहर हो इजेकुलेशन बाहर हू.

उसको यूज़ किया जा सके हर बार डॉक्टर के पास ना जाना पड़े उसको यूज़ करने के लिए आ, चीप हो सस्ता हो और बहुत इजी मार्केट इजीली मार्केट में अवेलेबल हो कि हर कोई उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके तो ऐसा जो एक मेथड है जिसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला जाता है दैट इज कॉन ठीक है सो दिस इज द बैरियर मेथड ये बेस्ट मेथड है अभी तक का इसमें इलास्टिक शीट होती है जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स को को कवर करके रखता है इज कमिंग फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कवर करने के लिए मेल कॉन्डम होता है एंड वेजाइना को कवर करने के लिए फीमेल कॉन्डम होता है इसके अलावा जो इससे एक और बेटर मेथड है उसको बोलते हैं आई यू डी विच इज इंट्रा यूटिलाइन डिफरेंसिस विच इज नोन एज इंट्रा यूटिलाइन डिफरेंस डिवाइस इंट्रा यूटिलाइन डिवाइस जो होता है ना वो अच्छा तो मेथड है बट यार कॉनम इज द ओनली मेथड और बैरियर मेथड इज द ओनली मेथड जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाता है और कोई भी मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से नहीं बचाता लेट मी लुक एट द कमेंट्स कोइटस इंटरप्टस आल्सो कॉल्ड नहीं बेटा कोइटस इंटरप्टस होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स ठीक है मैम अगर के टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है ना मेंस्ट्रुअल के टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है ना सब आ गया क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन एग तो बिल्कुल नहीं है बॉडी के अंदर और एंडोमेट्रियम वॉल भी ब्रेक हो रही है तो तब तो बिल्कुल सेफ है उस मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे मतलब नाइन परसेंट सेफ सेक्स होगा क्योंकि उस टाइम पे एग ही नहीं है बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है फ्लो हो रहा है सब कुछ जो डिस्कार्डेड एग है वो रिमूव हो रहा है बॉडी से है ना आई यू सी हाँ इंट्रा यूटीराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUD बोले या IUCD बोले एक ही बात है येस अनुज यू आर राइट ओनली एस टी डी प्रिवेंट्स फ्रॉम इट मैम बट आई यू डी कैन कॉज साइड इफेक्ट्स बिल्कुल सही बोल रहे हो अनुराग अनुरैस बिल्कुल 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 ये साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता है फीमेल के अंदर हार्मोन चेंजेस एंड यूटेरस के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये एक डिवाइस है जो कि डॉक्टर्स पुट करते हैं इनसाइड द यूटेरस अब ये डिवाइस करता क्या है एक कॉपर टी नाम का डिवाइस होता है बेटा ये कॉपर से बना हुआ होता है और लगातार कॉपर आयन्स रिलीज कर रहा है अब जब भी स्पर्म्स आएंगे ना यहाँ पर तो कॉपर के कॉन्टेक्ट में आने से मर जाएंगे क्योंकि स्पर्म्स एसिडिक एनवायरमेंट से मर जाते हैं दूसरा स्पर्म की ट्रैवलिंग स्पीड यहां पर हो जाएगी बहुत ज्यादा स्लो स्पर्म की स्पीड यहां पर स्लो हो जाएगी और फैगोसाइटोसिस हो जाएगा हमारे डब्ल्यूबीसी पागल हो जाएंगे ये देखकर कि इतने सारे सेल्स कहां से आ गए उनके लिए तो स्पर्म फीमेल बॉडी के लिए जो स्पर्म के सेल्स है वो एक फॉरेन सेल है बाहर का सेल है तो फैगोसाइटोसिस करने के लिए यहां पर डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे और सारे स्पर्म सेल्स को मार देंगे सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रा यूटीराइन डिवाइस स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस अभी नहीं पढ़ना है बेटा उसको अभी नहीं पढ़ना है कोई नहीं पूछेगा आपसे ये अभी क्या है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत कम होते हैं हेजल बहुत कम चांसेस होते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे प्रेग्नेंट होने के बिकॉज़ एग ही नहीं है ना बॉडी के अंदर सो so, बहुत कम चांसेस हैं वन टू टू परसेंट चांसेज बहुत रेयर केस में ऐसा होता है वैसे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज एग नहीं है प्रैक्टिकली समझो ना इसको आगे बढ़ते हैं अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखो मैं आपको बताती हूँ प्रोजेस्टीरोन हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा था ये प्रोजेस्टिरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनाकर रखता है एंडोमेट्रियम को बनाकर रखता है अब किसी तरीके से अगर हम एंडोमेट्रियम को बॉडी से हटा दें मतलब तो एंडोमेट्रियम को बनने ही ना दे किसी तरीके से हम एंडोमेट्रियम को बनने ही ना दे जाइगॉट बन भी गया तो एंडोमेट्रियम तो है ही नहीं तो जाइगॉट खुद को कहा इम्प्लांट करेगा वो सेल्स डिवाइड करके खुद को कहा इम्प्लांट करेंगे एंडोमेट्रियम है ही नहीं तो दैट जाइगॉट विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी है ना तो किसी तरीके से अगर हम एंडोमेट्रियम को बनने से रोक लें दैट इज द अनदर कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड ये किया जाता है पिल्स और दवाइयों की हेल्प से एक कॉम्बिनेशन पिल आपको दिया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का रोज लेना पड़ता है इसको फीमेल्स को जो भी कॉन्ट्रसेप्शन पर चल रही हैं वो मदर्स क्या करती हैं रोज प्रोजेस्ट्रॉन की पिल लेती हैं रोज पिल लेती हैं जो कि प्रोजेस्ट्रॉन को कम रखता है बॉडी के अंदर एंड एंडोमेट्रियम वॉल बनती ही नहीं एंडोमेट्रियम वॉल नहीं बनती अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते गेटिंग माई पॉइंट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉल पढ़ने हैं मुझे ही नहीं आ रहा क्या ठीक है हाउ डस्ट सहेली पिल वर्क इफ इट इज़ नॉन बेटा अभी नॉर्म हॉर्मोनल और नॉन स्टीरोडल की बात हमें नहीं करनी है ठीक है उसकी बात हमें नहीं करनी है जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रोजेस्ट्रॉल कैसे काम कर रहा है येस यू नो सही आई पिल इज द एमरजेंसी कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड आईपीएल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बेटा सहेली इज द वन जो कि काफी बेटर होती है देखो समझो इसको अब आप बोल रहे हो ना नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टीरोडल ऐसी डिवाइसेस uh, ऐसी पिल्स भी आ गई हैं जो कि नॉन स्टीरोडल है नॉन हॉर्मोन्स आर दीज प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन यही तो है आपके प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन यही तो स्टीरोडल वाले हैं नॉन हार्मोनल और नॉन सीटोडल क्लास टेंथ में तो आपसे कोई नहीं पूछेगा बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इसका भी एक सेशन ऑलरेडी डाला हुआ है नीव उड़ान के ऊपर आप जाकर देख सकते हो uh, मैंने जब चैनल पर पढ़ाना शुरू करा था तब मैंने इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट किया था तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो बेटा इसको डायफ्राम की बात करेंगे अब हम आ रही वैसे टॉपिक पे आ रही हूँ मैं नहीं होगा तो आई यू सी डी मैथड यूज करने के बाद नहीं नहीं मैं तो होगा आई यू सी डी मैथड के बाद भी मैं तो होगा बेटा ठीक है साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टीरॉइड क्या होते हैं स्टीरोइड मतलब हॉर्मोन्स स्टीरॉयड मतलब हॉर्मोन्स साहिल डायफ्राम क्या होता है ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना दिस इज द डायफ्राम क्या आप ये फीमेल्स यूज करती हैं टू इंसर्ट इन साइड द यूटेरस एंड इन साइड द बर्थ कैनाल बेसिकली एंड द फर्टिलाइजेशन कैन नॉट हैपन स्टरलाइजेशन एक सर्जिकल मेथड एक परमानेंट मेथड है दोनों के अंदर पॉसिबल है मेल के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी जैसे कि अगर मैं बात करूसे की तो यार बहुत आसान है याद करना मेल्स के अंदर होता है याद करो वास डिफेंस के बारे में पढ़ाया था तो टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाया वो आगे भेजने के लिए वास डिफेंस नाम की ट्यूब के अंदर डाल देते हैं ये रही वास ये वाली तो इस वास को डॉक्टर कर देते हैं कट यहाँ से कट लगाया और यहाँ से कट लगाया और दोनों को क्या कर दिया बांध दिया अब स्पर्म्स तो बनेंगे बट आगे की तरफ नहीं जाएंगे तो हो गया ना सक्सेसफुल एक सर्जरी हो गई और सक्सेसफुल हो गई कि स्पॉम्प बन तो रहे हैं बट आगे की तरफ नहीं जा रहे अब यहाँ पर स्पॉम्स जो बनेंगे उनके साथ क्या होगा बेटा फैगोसाइटोसिस हो जाएगा मर जाएंगे वो स्पॉम्प फैगोसाइटोसिस कर देंगे डब्ल्यू कहानी खत्म उसके बाद सेम हो सकता है ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टॉमी के अंदर फेलोपियन ट्यूब को ब्रेक किया जाता है फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है फेलोपियन ट्यूब जो लेफ्ट एंड राइट साइड है उन दोनों को कट कर दिया जाएगा और डॉक्टर ऐसे बांध देते हैं फाउंड एंड एनजाइम रियक्ट विद ऑक्सीजन रुक जाओ एक मिनट यार firefly anurag i will get back to your question beta once i research about it दिस इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस ये तुम्हारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम से क्वेश्चन आया है अनुराग वॉट इज योर बोर्ड क्योंकि ये आपके सी बी एस सी के लिएबस में से तो क्वेश्चन नहीं है बेटा फायरफ्लाइज वाला हाँ जी ट्यूबे टॉमी फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो अनुराग मैम सो दस पर्म एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विल भी डिग्रेडेड बेटा फैगोसाइटोसिस हो जाएगा डिग्रेडेड अगेन येस फैगोसाइटोसिस इज द राइट टर्म अनुराग Uh, दूसरा वाला अनुराग कुमार फैगोसाइटोसिस इज द राइट टर्म कि अपने बॉडी के सेल्स जो डब्ल्यू है वो कहीं पर ही सेल्स का अगर ग्रुप देखते हैं ना कि ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्स कहीं पर इकट्ठे हो गए उनको मारना शुरू कर देते हैं तो फैगोसाइटोसिस हो जाएगी कोई हार्म नहीं होता uh, और बट ये जो सर्जिकल मेथड है ना ये इिवर्सिबल है बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि फिर से सर्जरी करके आपने जो कट किया है आप उसको फिर से जोड़ रहे हो फिर से जोड़ रहे हो uh, बेटा एंडोमेट्रियम है उसका नाम एंडोमेट्रियम बेटा एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम इजैक्यूलेशन होता है जो सीमन बनाए ना बॉडी से दैट इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी उसका पास आउट होना बॉडी से पीनिस से पास आउट होना दैट इज नोन एज ए डाल देते दे, हैं दे, कभी कभी टीचर्स अपने स्कूल वाले मैम से पूछना इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये क्वेश्चन है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जो बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं मतलब उनके अंदर ही कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो कि ऑक्सीजन या लाइट से कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसी रिएक्शन होगी उनके अंदर कि वो ग्लो करना शुरू करते हैं इसको हम बोलते हैं निडारियंस या फिर टीनोफोर्स इनको प्यार से बायोलिमिशेंस भी बोल देते हैं अब आप नहीं समझ पाओगे इसको क्योंकि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़ा ही नहीं है क्लास नाइन्थ के अंदर चलो अब हम बात करें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज बेटा बेटा मेरी परसों क्लास है अब आपके साथ परसों नहीं कल ही है कल ट्वेंटी नाइन्थ है ना कल मेरी तीन बजे आपके साथ क्लास है जिसमें मैं आपके लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कराऊंगी लाइफ प्रोसेस हम ना पहले रिवीजन कर रहे थे लाइफ प्रोसेस की वो कंटिन्यू नहीं हो पाया कल हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर की रिवीजन करेंगे तीन बजे अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तीनों लेयर्स के बारे में पूछ रहे हो तीनों लेयर्स कौन कौन सी होती है यूटीरस की सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम बीच वाली मायोमेट्रियम सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम बट सवाल नहीं आएगा बेटा क्लास टेंथ में इसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम के बारे में पूछा जाएगा ठीक है पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम चलो वट इज कैलस त्रिषा ने पूछा है जब हम माइक्रो प्रोपोगेशन कर रहे थे तो हमने सेल्स से थोड़े थोड़े टिश्यू ले लिए ताकि हम उनको ग्रो करके नया पौधा बना सके बट टिश्यू अचानक से बेटा पौधे में नहीं बदलेगा पहले टिश्यू के अंदर मान लो अगर हजार सेल्स है तो पहले पंद्रह सौ होंगे फिर दो हजार सेल्स होंगे फिर तीन हजार सेल्स होंगे तो जब टिश्यू थोड़ा सा एक ग्रुप बनाना शुरू कर देता है ना सेल्स का त्रिषा उसको कैलस बोलते हैं आप उसमें कोई शेप या साइज नहीं देखोगे सिर्फ सेल्स का ग्रुप ही है जो डिवाइड करना शुरू कर चुका है दैट इज नोन एज कैलस कौन सी लेयर में होता है मतलब इज अ कनेक्शन अब कैसे बना है एंडोमेट्रियम का ही पार्ट है एंडोमेट्रियम से ही बना है ठीक है अनुज एंडोमेट्रियम से ही आया है कोई नई जगह से नहीं आया है. चलो बेटा अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज की एस बोलते हैं ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज को इनको वेनरल डिसीज भी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं ये दो नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना एस की ही बात हो रही है तो आपको बेसिकली चार मेन जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं ना वो चार मेन बीमारियों पर आए हैं सबसे पहले तो एड्स पर आया हुआ है क्वेश्चन एड्स पर एक क्वेश्चन आया हुआ है और आया हुआ है, है वॉट्स के ऊपर ये एड्स और वॉट्स दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स आपको पता है इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम यस यू नो और नॉट एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो एच आई वी वायरस की वजह से होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है तो बंदे का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर चेंज हो जाती हैं छः महीने में एक साल में द पर्सन डाइज वॉट्स जो है इसमें क्या होता है जेनाइटल एरियाज पे छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं ये एक सिग्नल है कि हाँ वॉट्स है जेनाइटल इन्फेक्शन हो चुका है इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले दो डिसीजेस जो आपको याद करने हैं ये दोनों ठीक हो सकते हैं इज गोनोरिया गोनोरिया एंड में क्या होता है ये जो ट्रैक्ट होता है मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो यूरिन पास करने वाला सिस्टम है वहां पर इंफ्लेमेशन होती है जलन होती है वहां पर यूरिन पास करने पे बर्निंग सेंसेशन होती है जब वॉशरूम जाते हैं तब बर्निंग सेंसेशन होती है साइफिलिस में क्या होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है इसके अंदर भी बेटा मोर लेस सिम्टम्स जो है वो सेम होते हैं इन साइफिलिस एंड गोनोरिया एक पिक्चर भी आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी यहाँ पर ये साइफिलिस के जब बहुत ज्यादा साइफिलिस हो जाता है तब इस तरीके से दिखता है बेटा स्किन के ऊपर तक वो डिसीज फैल सकता है क्योंकि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है ना बैक्टीरिया फैल सकता है स्किन के ऊपर सो साइफिलिस एंड गोनोरिया ये पूछा जाएगा कि ये बैक्टीरिया से होने वाले हैं वायरस से होने वाले तो आप बोलोगे बैक्टीरिया से होने वाले हैं एंड जो वायरस से होने वाले हैं दो वॉट्स ठीक है इस दर यानी क्योर एड्स का क्योर नहीं है बाकी सारे ठीक हो जाते हैं ठीक है क्लेमाइडिया बैक्टीरियल आई लेटमी बैक्टीरिया से है बेटा क्लैमाइडिया बैक्टीरिया से है ठीक है बैक्टीरिया से ही है यस yes, एंटीबायोटिक से क्योर हो जाते हैं बेटा बैक्टीरिया है ना बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां तो क्योर हो जाएगी एंटीबायोटिक से प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू थ्री यस अनुज यू आर राइट तीन महीने तक ना एबॉर्शन कराया जा सकता है हमारे इंडिया में लीगल है उसके बाद नहीं कराया जा सकता क्योंकि तीन महीने तक ना बच्चा बना नहीं होता तीन महीने तक वो एम्ब्रियो ही है उसके बाद हैंड्स हेयर इन सारी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद वो इलीगल है उससे पहले तक टर्मिनेट कराया जा सकता है तीन महीने पहले तक हाउ टू फाइंड वो करते हैं ना एमनिओटिक uh, एक फ्लूड होता है बेसिकली वो फ्लूड को बाहर निकालते हैं और उसके अंदर क्रोमोजोम्स आए हुए होते हैं उसका टेस्ट कराया जा सकता है अगर देखो बहुत ज्यादा टाइम हो गया प्रेगनेंसी में तो अल्ट्रासाउंड के बाद भी पता चल जाता है क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं अगर उसी से पहले पता लगाना है तो देर इज अ टेस्ट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड एमनियन बोलते हैं अब एमनियन क्या होता है ये आपको अभी नहीं समझ आएगा तो वो फ्लूड निकाला जाता है उसके अंदर क्रोमोजोम को टेस्ट कर दिया जाता है एंड पता चल जाता है इट इज अ मेल और ऑफ अब ठीक है एस टी टी एच आई वी तो वायरस का नाम है आयुष एच आई वी वायरस का नाम है चलो बेटा नाउ आई एम एंडिंग द क्लास ये क्विक सेशन की जगह एक डिटेल्ड सेशन हो गया है अगर और ज्यादा अच्छे से चैप्टर पढ़ना है तो डिटेल्ड वीडियोस डली हुई हैं चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं सी यू ई टी का कॉम्बिनेशन पैक आपको मिल रहा है फोर नाइन फाइव जीरो में आपको सना हंड्रेड कोड यूज करना होगा ताकि आपको मिल जाए डिस्काउंटेड प्राइस ठीक है सना हंड्रेड अभी हम बात नहीं करेंगे सेबम एंड ऑल बेटा क्लास टेंथ में नहीं है ये कम्पीट इज अनदर फन लर्निंग ऑप्शन जो आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करता है दिस इज अ गेम थिंग जो आप क्वेश्चंस का आंसर करोगे एंड आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे प्राइजेस ट्राई किया है किसी ने जिसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उसने किया होगा मुझे बताना कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस जब आप लेते हो ये कम्पीट इट इज ऑफ माई सिस्टर तो अनुराग एक बार ट्राई करना ना कम्पीट ट्राई करना कंपीट में कैसा मजा आता है एक बार देखना सना हंड्रेड कोड डालकर देखना अब आपको देखो नाइन टू इलेवेंथ के जो लर्नर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये की फोर्टी परसेंट सब्सक्रिप्शन आपके लिए चल रहा है तो अभी आप अनुराग आप भी ले सकते हो क्योंकि अभी फोर्टी परसेंट ऑफ का टाइम आ चुका है प्राइम बैच चल रहा है आपका बाय दीज एजुकेटर्स अंतिम पड़ाव की तैयारी हो रही है यानी कि बोर्ड्स की, की तैयारी आपको लगातार कराई जा रही है क्लास टेंथ के लिए देन आंसर राइटिंग बैच भी है मैथ साइंस और हिस्ट्री के लिए बच्चों सो आई विल सी यू बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम ओके आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अभी तो टाइम है आपके एग्जाम्स में जनवरी मंथ है पूरी रिवीजन का टाइम है मैं कराऊंगी आपको डायग्राम्स डेफिनेटली सो so, सावधान रहे सतर्क रहे और मिलते रहेंगे हम अगले एपिसोड में ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ वैसे अंकित कह रहे हैं चलो बेटा जी बाय बाय एवरी वन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अभी फोर्टी परसेंट ऑफ का टाइम चल रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेस्ट टाइम सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना विल सी यू टूमो एट थ्री पी एम कल तीन बजे मेरी क्लास है लाइफ प्रोसेस की